सिंह एंड वेलकम टू लेट्स यूपीएससी सी एस हिंदी और आप सभी का स्वागत है तो आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही शानदार होगा चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आप सभी लोग जानते हैं आज हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ने वाले हैं काल का मतलब क्या है यानी कि मौर्य वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आया उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो मैंने कल आपसे बताया था कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग मौर्योत्तर काल में दो प्रकार के शासक पढ़ेंगे एक है आपका देसी शासक जिसमें कि सुंग वंश कण्व वंश सातवाहन वंश चेदी वंश जिसे हम लोग महामेघवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं दूसरी हम लोग बात करेंगे विदेशी शासक और विदेशी शासक में हम लोग इंडो ग्रीक की बात करेंगे शक की बात करेंगे पार्थियन की बात करेंगे और कुषाण की बात करेंगे चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज का सेशन है आपका मौर्योत्तर काल चलिए आप सभी लोग जानते हैं अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के एजुकेटर के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट में मिस्टेक है तो आप यहाँ पर जो है हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं यानी कि एन अकेडमी को इन्फॉर्म कर सकते हैं और अमेजिंग प्राइस आप जी सकते हैं अभी फिलहाल 30 तारीख तक ये ऑफ़र चल रहा है क्या ऑफ़र है आपको 80 टेस्ट मिलेंगे एक साल में जिसकी कीमत अगर मार्केट में देखी जाए तो तीस हज़ार रुपये है लेकिन ये आपको बिल्कुल बिल्कुल फ़्री मिल रहे हैं 30 जून लास्ट डेट है ध्यान रखना यहां पर 50 टेस्ट होंगे वो प्रीलिम्स के होंगे और 30 टेस्ट होंगे वो मेंस के होंगे ठीक है इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ़र भी चल रहा है एक ईयर वन ईयर और टू ईयर का यानी कि जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं होता तब तक आपका ये काम करेगा इसके अलावा यहां पर 25 परसेंट का ऑफ़र मिल रहा है पच्चीस का ऑफ़र ये तीस तारीख तक के लिए अवेलेबल है प्लस आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप पी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं बी फोर भूपेंद्र एस फोर सिंह एल आई वी ई लाइव चलिए इसके बाद जो भी बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए लोन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है कोई चार्जेस नहीं है हिडन चार्जेस ज़ीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट ज़ीरो प्रोसेसिंग फीस और बहुत ही कम समय में आपका ये लोन अप्रूव हो जाएगा और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप लोन को पा सकते हैं अब कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं है बीस बुकलेट आपको मिल रही है बहुत ही शानदार कंटेंट टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाया गया है हंड्रेड सीट्स अभी अवेलेबल हैं जो भी तीस तारीख से पहले इसका आ, आ, इस आ, तीस तारीख से पहले अगर कोई एडमिशन लेता है तो ये जो टॉप एजुकेटर हैं वीकली बेस पर इनको गाइड किया जाएगा इनसे गाइड किया जाएगा इनके द्वारा गाइड किया जाएगा इसके अलावा यहाँ पर आइकॉनिक और प्लस के बारे में तो आप जानते हैं प्लस में आपको क्या मिलेगा लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस और पर्सनल गाइडेंस में आपको पर्सनल गाइडेंस आपको आइकॉनिक में मिलेगा क्योंकि यू में गाइडेंस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका प्लस है और जो आपका आइकॉनिक है इसमें एक साल दो साल और तीन साल के कोर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर आपको दस परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यदि आप बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है यदि आप बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी आपको 10% परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा इसके अलावा 30 जून से बैच स्टार्ट हो रहे हैं जो भी बच्चे जिन जैसा भी उनका टारगेट है एक साल का दो साल का तो वो ये कोर्स ले सकते हैं ध्यान रखना बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप फ्री टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अन कॉम्बैट भी ज्वाइन कर सकते हैं बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए एवरी संडे होता है ग्यारह बजे साठ क्वेश्चन होते हैं साठ मिनट में सॉल्व करने होते हैं ये टेस्ट आपका फ्री होता है बिल्कुल इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है और यहाँ पर आप चार करोड़ तक के प्राइस पा सकते हैं ये टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल के बाद कौन कौन से वंश हमारे भारत देश में आए ठीक है चलिए तो ये है मौर्योत्तर काल एक बार मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में कि किसी को कोई दिक्कत हो आवाज आवाज में उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं सभी को आवाज तो ठीक आ रही है ना सभी को आवाज तो ठीक आ रही है ना ओके okay, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ये है आपका मौर्योत्तर काल तो मैंने आपसे कहा था मौर्योत्तर काल यानी कि आपके दो प्रकार के शासक आते हैं कौन कौन से एक आता है आपका देशी शासक और एक है आपके विदेशी शासक देखो मैंने कहा था आपसे जब मौर्य वंश का पतन होता है तो मौर्य वंश के पतन के बाद ये सारे के सारे जो आपके छोटे मोटे जो राज्य हैं ये आज़ाद होना स्टार्ट कर देते हैं यानी कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं पहले तो ये मौर्य वंश के अंतर्गत आते थे क्योंकि तो मौर्य वंश उस समय पर केंद्रीय सत्ता के द्वारा शासन कर रहा था लेकिन जैसे ही लेकिन जैसे ही सत्ता में जैसे ही केंद्र में कोई उत्तराधिकारी कमजोर साबित होता है वैसे ही यहाँ के जो देसी शासक होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं वैसे तो आप जानते हैं मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से पुष्यमित्र सुंग ने बृहदरथ की हत्या करने के बाद किस प्रकार से सुंग वंश की नींव डाली तो सुंग वंश की नींव डाली सुंग वंश के बाद कण्व वंश आया फिर दक्षिण में सात वाहन चेदी और महामेघा वाहन है ना तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये सुंग वंश कब से कब तक शासन किया इसमें कौन सा राजा महत्वपूर्ण हुआ कहाँ कहाँ इसने विजय अभियान चलाए और किस प्रकार से इसका पतन हुआ ठीक है इसके अलावा विदेशी शासक की भी हम लोग बात करेंगे जिसमें इंडो ग्रीक शक पार्थियन और कुषाण मैंने कहा था केंद्र में सत्ता कमजोर है जब भी केंद्र में सत्ता कमजोर होगी तो यहां से यानी कि यहां से विदेशी आक्रमणकारी लगातार आक्रमण करते रहेंगे तो उस समय पर मध्य एशिया से जो जनजाति थी आती थी उनका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत के धन को लूटा जाए इसी धन के इसी धन को लूटने की लालसा में शक पार्थियन कुषाण ये सारे के सारे आए तो आप देखिए किस प्रकार से हमारे भारत देश में सारी की सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी चल रही थी क्योंकि तो हमारे भारत देश में एक अखंड भारत का निर्माण हो चुका था मौर्य साम्राज्य के समय पर और यही अखंड भारत का निर्माण आपको सदियों बाद देखने को मिलेगा ओके okay, चलिए तो हम देख हम देखेंगे किस प्रकार से हमारा भारत देश जो है अनेक छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हुआ और छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड होने के बाद किस प्रकार से अव्यवस्थाएं फैली ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देशी शासक देशी शासक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुंग वंश के बारे में कमेंट <coughs> बॉक्स में एक बार मुझे ये बताइए कि सुंग वंश का संस्थापक कौन था कल ही मैंने आपको बताया है सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग जिसने जिसने एक ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी कर दी और उसके बाद शुंग वंश की नींव डाली पुष्यमित्र सुंग ने ही एक ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की नींव डाली और ये सुंग वंश था ये ब्राह्मण वंश था और इसके बाद आप ध्यान रखना कि जो बौद्ध धर्म है उसको हतोत्साहित किया जाता है और फिर से ब्राह्मण धर्म का उत्थान होता है यहाँ तक कि पुष्यमित्र सुंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र सुंग ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी बुद्ध जो बौद्ध मोंग हैं उनका सर काट कर लेकर लेकर आएगा उसको सौ दिनारे दी जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा असहिष्णुण इंसान किस प्रकार से बौद्ध धर्म को हतोत्साहित करेगा एक्चुअली होता यह है कि बौद्ध धर्म से ये काफी जलता है ठीक है क्योंकि तो उस समय पर मौर्य साम्राज्य के समय पर आप जानते हैं अशोक ने किस प्रकार से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे दान धर्म किए और बहुत सारे धर्म अभियान भारत देश और उसके बाहर चलाए तो सुंग वंश का संस्थापक था ब्राह्मण इसीलिए इसने वापस ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने के लिए क्या किया वापस इसने बहुत सारे काम किए ध्यान रखना यहां पर देखा जाता है एक है बाण भट्ट बाण भट्ट ने अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखा है पुष्यमित्र के बारे में उसने यह कहा है कि पुष्यमित्र सुंग अनार्य है अनार्य का मतलब आर्य नहीं है आप ध्यान रखना अनार्य होने के बावजूद भी यह ब्राह्मण धर्म को काफी ज्यादा जो है सपोर्ट कर रहा है अब देखो अनार्य हो या फिर आर्य हो क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से इसी प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं पुष्य मित्रसुंग जो था वो कट्टर ब्राह्मणवादी था कट्टर ब्राह्मणवादी आज भी हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कट्टर ब्राह्मण होते हैं कट्टर मुस्लिम होते हैं यानी कि मतलब उनके धर्म के बारे में अगर आपने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल भी सुनेंगे नहीं चाहे वो गलत हो चाहे वो चाहे वो सही हो ठीक है तो सहिष्णुता होना चाहिए सहिष्णुता होगी तभी हमारे भारत देश में सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोग मिलकर साथ में रहेंगे लेकिन कुछ लोग कट्टरवादी होते ही हैं और जहाँ पर कट्टर कट्टरवादी भावना आती है वहाँ पर क्या है चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं अगर हम लोग बात करते हैं सुंग वंश के बारे में हमें कहाँ से मालूम चलता है तो सुंग वंश के बारे में दो प्रकार के स्रोत हैं एक तो साहित्यिक स्रोत है और एक है आपका पुरातात्विक स्रोत यानी कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हमें पुष्य मित्र सुंग के शासन के बारे में जानकारी मिलती है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं तो दो प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं इन दो प्रकार के साक्ष्य के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पुष्य मित्र सुंग ने कहां-कहां पर शासन किया किस प्रकार से शासन किया और किस प्रकार से इसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए बहुत सारे कार्य किए चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में तो यहां पर साहित्यिक स्रोत में आप सभी लोग जानते हैं कि पुराण आते हैं पुराणों की संख्या कितनी है एक बार मुझे बता दो कि पुराणों की संख्या इतनी है और ये सबसे महत्वपूर्ण है पुराणों में जो मत्स्य पुराण है और वायु पुराण है इनके माध्यम से हमें मालूम चलता है पुष्यमित्र सुंग के शासन के बारे में ध्यान रखना कभी कभी आपसे पूछ सकता है कौन सा पुराण है जिसके माध्यम से पुष्यमित्र सुंग के बारे में हमें मालूम चलता है तो वो है आपका वायु पुराण और ये वो है और नेक्स्ट आपका मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण जो है वो एक और राजवंश के बारे में जानकारी देता है आप मुझे बताओ किसके बारे में सातवाहन के बारे में मौर्य के बारे में, में? राष्ट्रकूट के बारे में या फिर गुप्त के बारे में बताइए हाँ तो आप सभी लोग जानते हैं वो है आपका सातवाहन सातवाहन के बारे में हमें जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से ठीक है और ये दो पुराण हैं वायु पुराण और मत्स्य पुराण इसके माध्यम से हमें पुष्यमित्र सुंग के बारे में जानकारी मिलती है इसके अलावा एक साहित्यिक स्रोत और है आपने सुना होगा हर्ष चरित्र जो कि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है इसमें अंतिम मौर्य शासक है जिसका नाम आप जानते हैं बृहदत्त इसकी चर्चा की गई है इसकी चर्चा की गई है इससे हमें मालूम चलता है किस प्रकार से जो बृहदत्त का सैनिक था जो आपका सेनापति था पुष्यमित्र सुंग किस प्रकार से पुष्यमित्र सुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और बृहद की हत्या करने के बाद उसके सिंहासन पर अधिकार कर लिया कहा जाता है कि पुष्यमित्र सुंग ने बृहदत्त से कहा था कि पश्च उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण हो रहा है किसका आक्रमण होगा ऑब्वियसली इंडो ग्रीक शक पार्थियन और कुषाण तो इस समय समय पर आक्रमण हो रहा था इसने कहा था कि भृहद से कि भाई साहब आप जो है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जो है अहिंसा को छोड़कर अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हथियार वथियार उठा लो लेकिन बृहद रत्त और पुष्यमित्र सुंग के बीच में कुछ बहस हुई और बहस के परिणाम स्वरूप आप सभी लोग जानते हैं पुष्यमित्र सुंग ने बृहद की हत्या कर दी और उस समय पर पुष्यमित्र सुंग का वर्चस्व जो है ना शासन पर काफ़ी बढ़ चुका था इसीलिए जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने भी काफी साथ दिया पुष्यमित्र सुंग का तभी पुष्यमित्र सुंग सिंहासन पर अधिकार कर सका एक और आपने सुना होगा पतंजलि का महाभाष्य पतंजलि के महाभाष्य के माध्यम से भी हमें मालूम चलता है किसके बारे में सुंग वंश के बारे में चलिए पतंजलि कौन थे ये पतंजलि जो थे पुष्यमित्र के पुरोहित थे कौन थे पुष्यमित्र के पुरोहित थे और ये जो आपका महाभाष्य है इस महाभाष्य में यवनों के आक्रमण की चर्चा मिलती है देखो जब तक मौर्य वंश का शासन था जब तक अशोक था तब तक ये जो यवन है यानी कि यूनानी इंडो ग्रीक यूनानी शासक हैं इन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया लेकिन जैसे ही इनको मालूम चला केंद्र में गड़बड़ चल रही है किस प्रकार से मौर्य वंश का पतन हो चुका है किस प्रकार से शुंग वंश की स्थापना हो चुकी है तो वापस इनकी आंखें हमारे भारत देश के धन पर गड़ गई और इन लोगों ने हमारे भारत देश पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया तो पतंजलि का जो महाभाष्य है उसके माध्यम से हमें यवनों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है एक है गार्गी संहिता ये गार्गी संहिता है इसके माध्यम से भी हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है आप देखिए जब भी हमारे भारत देश में जब भी हमारे भारत देश में अव्यवस्थाएँ फैलेंगी तब तक हमारे भारत देश में आक्रमण होंगे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा गुप्त काल सातवाहन काल इसके अलावा आपको सल्तनत काल और मुगल काल आप देखना जब जब भी केंद्र में यानी कि हमारे भारत देश की जो केंद्रीय सत्ता है जब जब भी कमजोर होगी तब तब हमारे भारत देश में विदेशी आक्रमणकारी होंगे आक्रमणकारी आक्रमण करेंगे तो चलिए हम लोगों ने बात कर ली गार्गी संहिता एक नाम और है जिसका नाम है माल विकाग्ड मित्रम यह कईयों बार पूछा गया है यह कालिदास का यह नाटक है बार पूछा गया है ये माल विकाग मित्रम का रचयिता कौन है तो कौन है ये हैं आपके कालिदास ठीक है ये कालिदास हैं इन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से शुंगकालीन जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं तो माल विकाग मित्रम जो कि कालिदास के द्वारा लिखित एक नाटक है उसके माध्यम से भी हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है इसके बाद आता है दिव्यावदान यह दिव्यावदान है इसके माध्यम से भी हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार से पुष्यमित्र सुंग ने अशोक के द्वारा जो चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था और उस स्तूपों को तोड़ने का काम किसने किया था पुष्यमित्र सुंग को तो आप समझ जाइए पुष्यमित्र सुंग का उद्देश्य क्या था पुष्यमित्र सुंग का उद्देश्य था कि कैसे भी करके बौद्ध धर्म के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए इसी उद्देश्य से इसी उद्देश्य से पुष्यमित्र सुंग ने जो चौरासी हज़ार स्तूप थे उनको तोड़ना स्टार्ट किया लेकिन फिर भी आप जानते हैं कुछ स्तूप बहुत ही शानदार थे जैसे कि हम लोग बात करें सांची का स्तूप और जैसे कि हम लोग बात करें अमरावती का स्तूप हालांकि अमरावती का स्तूप जो जो था वो तो आ, बहुत ज़्यादा जो है आक्रमणकारियों का शिकार हुआ लेकिन हाँ सांची का स्तूप बचा रहा चलिए इसके बाद ये तो हो गए हमारे साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी पुराण की फिर हम लोगों ने बात की बात की थी हर्ष चरित्र की फिर मैंने बात की थी पतंजलि का महाभाष्य फिर गार्गी संहिता फिर मालविकाग मित्रम और फिर लास्ट में दिव्यावदान तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल इन सब साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है सुंग वंश के बारे में ध्यान रखना आपसे पूछ सकता है हर्ष चरित्र की रचयता कौन है आपसे पूछ लेगा महावाषिक रचयता कौन है गार्गी सहायता की रचयिता कौन है मालविकाग मित्रम के रचयिता कौन है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत जिसके माध्यम से हमें मालूम चलता है सुंग वंश के बारे में तो पुरातात्विक स्रोत में अयोध्या अभिलेख देखो पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती हैं आप जानते हैं अभिलेख स्तूप सिक्के मन के तो इनके माध्यम से हमें मालूम चलता है तत्कालीन वंश ने क्या क्या किया था तो अभी तो आप जानते हैं कि अशोक के काल के बाद बहुत अधिक मात्रा में अभिलेख स्टार्ट हो चुके थे अभिलेख लिखने की परंपरा बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी तो पुष्य मित्र सुंग के शासन के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य में हमें अभिलेख के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी देखिए यहाँ पर अभिलेख में लिखा गया है जिसका नाम है अयोध्या अभिलेख इसमें पुष्यमित्र सुंग का जो उत्तराधिकारी था धनदेव कहा जाता है कि धनदेव ने अयोध्या अभिलेख का निर्माण करवाया था तो ऑब्वियसली इसके माध्यम से जो इसका जो बाप है पुष्यमित्र सुंग उसके बारे में जानकारी मिलेगी और कहता है इसमें ये कि हमारे जो पिताजी थे पुष्यमित्र सुंग उन्होंने दो अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे आप जानते हैं ना अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है कि घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है जहाँ जहाँ पर घोड़ा जाता है जहाँ जहाँ पर घोड़ा जाता है वहाँ वा वा वहाँ पर उसका अधिकार हो जाता है और जो भी उस घोड़े को रोकने की चुनौती देता है तो उसको युद्ध करना पड़ेगा तो ये है अश्वमेघ यज्ञ ओके okay, चलिए बेस नगर का अभिलेख इसके माध्यम से भी हमें मालूम चलता है किसके बारे में सुंग वंश के बारे में यह अभिलेख जो है वो हेलियोडोरस का है ये हेलियोडोरस का इसके पीछे भी एक कहानी है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा क्योंकि कोई मतलब की नहीं है वो कहानी है ना तो हेलियोडोरस का जो आपका बेस नगर का अभिलेख है इसके माध्यम से भी हमें मालूम चलता है क्या सुंग वंश के बारे में और ये इतना प्रभावित हो चुका था कि इसने हेलियोडोरस ने क्या किया भागवत धर्म को अपना लिया देखिए ये जो हेलियोडोरस का स्तंभ है ये गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है और इससे मालूम चलता है कि पुष्यमित्र सुंग के समय पर भागवत धर्म की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी क्योंकि आप जानते हैं पुष्यमित्र सुंग ने काफ़ी ज़्यादा बौद्ध धर्म को हतोत्साहित किया था और उसके बाद भागवत धर्म को प्रोत्साहित किया और आप जानते हैं इसके बाद तो गुप्त वंश आया उसके बाद तो चोल और इस प्रकार से भागवत धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता गया हमारे भारत देश में बौद्ध धर्म जिसका उदय हमारे भारत देश में हुआ था आज हमारे भारत देश में वो लुप्त होने की कगार पर खड़ा है लेकिन आप जाओगे चाइना में आप जाओगे जापान में आप जाओगे कंबोडिया में म्यांमार में तो वहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे चलिए इसके बाद एक, एक लेख और है इसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है भागवत धर्म के बारे में चलिए तो हम लोगों ने देखा एक था आपका साहित्यिक स्रोत एक था आपका पुरातात्विक स्रोत तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है और, और कुछ हैं उपरुक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त कुछ और भी आपके साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है जैसे कि मान लीजिए सांची बेसनगर बौद्धगया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप और स्मारक ये सारे के सारे जो हैं शुंगकालीन कला और स्थापत्य की विशेषता का विशिष्टता का क्या ज्ञान करवाते हैं शुंग काल में कुछ मुद्राएं भी प्रचलित थी ठीक है उन मुद्राओं को कोशांबी अहिछत्र अयोध्या और मथुरा से पाया गया है और इसके माध्यम से भी हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है सुंग वंश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है चलिए तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि कौन कौन से ऐसे स्रोत थे जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है सुंग वंश के बारे में सबसे पहला राजा आएगा जिसका नाम है पुष्यमित्र सुंग पुष्यमित्रसुंग के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पुष्यमित्र पुष्यमित्रसुंग पुष्यमित्र मित्रसुंग आप सभी लोग जानते हैं मैंने आपको तीन चार बार बता दिया है पुष्यमित्र पुष्यमित्रसुंग था वो कौन था ये बृहदत्त का सेनापति था और इसने किस प्रकार से भ्रदरथ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सुंग वंश की नींव डाल दी देखो एक साहित्यिक स्रोत है इसके माध्यम से हमें मालूम चलता है कि भैया पुष्य मित्र सुंग पुष्य धर्म का पुत्र था तभी इसका नाम क्या पड़ा पुष्य मित्र सुंग पड़ा ओके दिव्या वदान मैंने आपको बताया था दिव्यावदान के माध्यम से हमें जा, हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में सुंग वंश के बारे में तो दिव्याविदान से हमें मालूम चलता है कि उसके पिताजी का नाम क्या था एक अभिलेख है धनदेव आप जानते हैं उसका उत्तराधिकारी है ये पुष्यमित्र सुंग का उसका जो अभिलेख है जैसे हम लोग जानते हैं अयोध्या अभिलेख के माध्यम से अयोध्या अभिलेख के माध्यम से आपको मालूम चलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने दो अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया था उस समय पर पतंजलि पतंजलि उसके पुरोहित थे ध्यान रखना पतंजलि ने कुछ पुस्तक का निर्माण किया था बताओगे आप मुझे ओके ओके okay, ओके, okay, तो पतंजलि के समय पर ही पुष्यमित्र सुंग ने दो अश्वमेघ यज्ञ किए थे इसके अलावा आप हाँ ध्यान रखना एक चीज़ और है मैंने मैंने आपको बताई थी कि पुष्यमित्र मित्र सुंग ने ब्राह्मण धर्म को वापस रिवाइव किया और बौद्ध बौद्ध धर्म को क्या है हतोत्साहित किया यहाँ तक कि उसने ये आदेश दिया कि जो भी बौद्ध संतों की बौद्ध संतों की हत्या करेगा बौद्ध संतों के सिर काट कर लेकर आएगा उसको मैं सौ मुद्राएं इनाम में दूंगा कहा जाता है ऐसा ऐसा कहा जाता है ऐसी एक कहानी प्रचलित है कि ये जो बौद्ध मोंग थे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जो बौद्ध मोंग थे ना ये जो बौद्ध मोंग थे ये ग्रीक यूनानी शासकों का इंडो ग्रीक शासकों का साथ दे रहे थे यानी कि ये देशद्रोह कर रहे थे ऐसा कहा जाता है इसीलिए बौद्ध धर्म के जो संत थे उनको मारा गया ठीक है अब ये कहाँ तक सत्य है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन पुष्यमित्र सिंग ने यही बताया है कि ये देशद्रोही थे बौद्ध मोंग थे ये देशद्रोही थे और इंडो ग्रीक शासकों का ये साथ दे रहे थे हमारे भारत देश में आक्रमण करवाने के लिए अब कहाँ तक सत्य है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है ऑब्वियसली देखो ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो पुष्यमित्र मित्र सुंग को जनता को जवाब देना पड़ेगा जब पुष्यमित्र मित्र सुंग इतनी अधिक मात्रा में बौद्ध संतों को मारेगा स्तूपों का स्तूपों को खत्म करेगा तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा जनता को तो इसने बौद्ध धर्म के संतों को विद्रोहियों का करार दे दिया ठीक है चलिए तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बौद्ध धर्म को हतोत्साहित किया इसके अलावा बौद्ध धर्म की बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं भी करवाईं इसके अलावा बौद्ध विहारों को नष्ट किया स्तूपों को नष्ट किया आप जानते हैं किस प्रकार से अशोक ने चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण किया था चौरासी हजार स्तूपों में से बहुत ही कम स्तूप इस इसमें बचे थे देखिए जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि इसने काम किया बौद्ध धर्म को हतोत्साहित किया बौद्ध विहारों बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कर करवाईं इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था बौद्धों का विरोधी था लेकिन एक हमें साक्ष्य देखने को मिलता है ये है आपका बरहूत स्तूप इसने बरहूत स्तूप को बनवाया पुष्यमित्र सुंग ने किसको बनवाया बरहूत स्तूप को बनवाया अब क्यों बनवाया आप मुझे बताओ जब ये बौद्ध धर्म का विरोधी था बौद्धों का विरोधी था जब भिक्षुओं की हत्या करवाई थी बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया था तो इसने स्तूप इस क्यों बनाया बताइए आप मुझे क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे इसके पीछे रीज़न ये था कि उस समय पर ये जो आपका बरहूत था बरहूत जो क्षेत्र था वहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाली जनता बहुत अधिक थी तो वहाँ पर उनका समर्थन पाना बहुत जरूरी था क्लियर है इसलिए बरहूत इस्त अब बहुत सारी किताबें हैं उसमें बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं क्लियर है लेकिन यह ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं है है ना यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा जहां से मैं बोलूंगा भाई साहब कि यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसीलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूं जिससे कि एक बेस क्लियर हो कि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है है ना पहले बना दिया होगा बाद में विरोध किया होगा अब कुछ भी हो बबिता इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ चिंता मत कीजिए आप मेरे सामने ही है कमेंट बॉक्स है ना थोड़ा सोच समझ के जो है कमेंट करना है ना थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो यार पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा है ना चलिए वो सब छोड़िए समझने वाले के लिए सारा काफ़ी होता है और जो ना समझे उनके लिए चिल्लाते रहो कुछ भी मतलब की बात नहीं है देखिए विजय अभियान के बारे में हम लोग बात करते हैं पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए मैंने कहा था उस समय पर यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो शासक था अशोक उसकी मृत्यु के पश्चात लगातार जो आपके विदेशी आक्रमणकारी थे हमारे भारत देश पर आक्रमण करने की सोच रहे थे ठीक है कि भाई भारत देश के ऊपर आक्रमण किया जाए क्योंकि तो मौर अशोक मर चुका है और इसके बाद जितने भी आपके उत्तराधिकारी हैं वो मजबूत शासक नहीं थे तो आसानी से यहां पर आसानी से यहां पर आक्रमण किया जा सकता था ठीक है तो पुष्यमित्र सुंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी किस प्रकार से इनके आक्रमण को इनके आक्रमण को क्या किया जाए खत्म किया जाए पुष्यमित्र कि राजा बनने पर मगध साम्राज्य को बहुत अधिक बल मिला था जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे पुष्यमित्र सिंह ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया मैंने कहा था जैसे ही अशोक की वृत्ति होती है वैसे ही वैसे ही छोटे मोटे राज्य आजाद होना स्टार्ट कर देते हैं तो भैया पहले तो भृहदरथ था भृहदरथ ने बोला जिसको आजाद होना है आजाद हो जाने दो तो हम लोग बीच में कुछ नहीं बोलेंगे तो इस प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य है जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण हर जगह फैली हुई थी धीरे 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 उसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है अब जो भी राजा जो भी राजा मगध की अधीनता त्याग चुके थे पुष्यमित्र के गद्दी संभालने के बाद सारे के सारे जो हैं मानना स्टार्ट कर देते हैं भाई साहब हम लोग अब वापस मगध की सत्ता को मानते हैं ठीक है तो कहने का मतलब जो भी राज्य आजाद हुए थे मगध से सभी वापस आ गए पुष्यमित्रसुंग के विजय अभियान के बाद तो पुष्यमित्र सुंग को हम लोग एक सफल शासक बोल सकते हैं लेकिन आगे आने वाले समय में जो भी इसके उत्तराधिकारी होते हैं वो मजबूत नहीं हो पाते हैं ठीक है इसी वजह से अंतिम शासक की हत्या कर दी जाती है और कणव वंश की स्थापना कर दी जाती है ओके तो इस प्रकार आप देखिए पुष्यमित्र सुंग का उद्देश्य यह था बस दो उद्देश्य थे इसके एक तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करना है और दूसरा जो भी राज्य मगध साम्राज्य से आजाद हो चुके हैं उनको वापस मगध में वापस लेकर आना है ठीक है एक ध्यान रखना विदर्भ और बरार की विजय यह विजय अभियान काफी महत्वपूर्ण है इसको समझना काफी महत्वपूर्ण है और इसके बाद खारवेल से युद्ध देखेंगे हम लोग यवन के आक्रमण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ठीक है उसके बाद पुष्य मित्र के उत्तराधिकारी हैं उनके बाद उनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम जो है सुंगवंश को ख़त्म कर देंगे देखिए विदर्भ और बरार की वजह किस प्रकार से होती है देखो विदर्भ विधर्भ का उस समय पर शासक कौन था विदर्भ का शासक था उस समय पर यज्ञ कौन था विदर्भ का शासक उस समय था यज्ञ और मौर्य काल के समय पर मौर्य काल के समय पर इसे विदर्भ का शासक नियुक्त किया गया था यानी कि राज्यपाल यानी कि एक समय पर एक एक निश्चित समय पर यह मगध को एक निश्चित राशि देता रहेगा लेकिन आप समझ सकते हैं जैसे ही केंद्र में सत्ता कमजोर होती है वैसे ही ये लोग क्या करते हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और यही हुआ कि जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई और अशोक की मृत्यु के बाद उसने देखा मगध साम्राज्य दुर्बल हो चुका है इसी वजह से इसने विदर्भ को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र घोषित करने के बाद खुद स्वतंत्र शासक वहां का बन गया देखिए अब मुझे आप बताओ कि पुष्यमित्र सुंग को ये अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा पुष्य मित्र सुंग बोलेगा भ्रद से भाई साहब देखो यार आक्रमण वगैरह करते हैं विधर्भ देखो आ, अलग हो गया देखो खारवेल जो है वो अलग हो गया यवन जो है वो अलग हो गया और सॉरी यानी कि जो प पस, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र के जो आपके प्रांत थे वो भी धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हो चुके हैं तो भ्रद ने बोला कि कोई बात नहीं है हम तो वैसे भी हमारे बाप ने ये बोला है कि धर्म के माध्यम से ही शासन का संचालन करेंगे तो हम लोग युद्धविद्ध कुछ भी नहीं करेंगे तभी तो पुष्यमित्र सुंग ने उसकी हत्या करवा दी आगे क्या होता है आप जानते हैं यज्ञसेन, जो कि विदर्भ का शासक था उसको सुंग का स्वाभाविक शत्रु बनाया बताया गया ऑब्वियसली शत्रु तो है ही है अगर मगध से आजाद होगा और स्वतंत्र शासन की स्थापना करेगा तो पुष्यमित्र सुंग का एक स्वाभाविक शत्रु बन जाएगा ये ठीक है इसी प्रकार से पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया और परास्त करने के बाद विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन मिला लिया यानी कि फिर से विदर्भ क्या हो गया मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया एक पुस्तक है जिसका नाम आपने सुना होगा जस्ट मैंने आपको बताया भी था मालविकाग्न मित्रम जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है कौन सी पुस्तक है ये काल माल विकाग्न मित्रम किसने लिखी है ये कालिदास के द्वारा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कई बार थोड़ा ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है वो तो मालविकाग जिसकी जिसका रचता कौन था कालिदास अब इसने क्या लिखा है इसने लिखा है मालविका मित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन कौन थी मालविका और अग्निमित्र यज्ञसेन की चचेरी बहन आप आपको पता है यज्ञसेन कौन था यज्ञसेन था विदर्भ का शासक जिसको हाल ही में अग्निमित्र ने पराजित किया था ये शत्रु की लड़की से आप समझ सकते हैं शत्रु की बहन से ये प्यार कर रहा है कौन अग्निमित्र ओके तो इसकी जो लव स्टोरी है वो मालविका मित्र में देखने को मिलती है किस किसकी स्टोरी है ये मालविका जो कि यज्ञ सेन की कौन थी बहन थी अग्निमित्र जो कि पुष्य मित्र शुंग का कौन था ओके ठीक है तो मालविकागन मित्रम में किसके बारे में जानकारी मिलती है इसके बारे में अग्निमित्र और मालविका शत्रु से प्यार करना छोटी मोटी बात नहीं होती है ऐसा डायलॉग रामलीला मूवी है कौन सी मूवी है जो जिसमें वो होता है आपका दीपिका पादुकोण होती है और कौन होता है उसका जो हस्बैंड है वो होता है ठीक है तो इस प्रकार से शत्रु से ये विवाह कर लेता है कौन अग्निमित्र अब देखिए इसका दूसरा अभियान चलता है खारवेल अब देखो खारवेल ऑब्वियसली क्यों युद्ध होगा खारवेल से है ना आप जानते हैं कि मौर्य वंश के समय पर अशोक ने क्या है कलिंग पर आक्रमण किया था कलिंग देश को अपने राज्य में मिला लिया था और कलिंग देश पर आक्रमण करने का उद्देश्य अशोक का यह था कि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य काफी अच्छा होता था तो कलिंग देश अशोक की मृत्यु के बाद जब आजाद हो जाएगा तो आप मुझे बताओ कि पुष्यमित्र सुंग क्या इसे जीतना नहीं चाहेगा फिर से ये आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद आप मुझे बताओ क्या 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 ये जीत पाता है देखिए कलिंग का राजा उस समय पर खारवेल था खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र सुंग को पराजित कर दिया देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यहाँ से जो केंद्रीय सत्ता थी उसकी बहुत किरकिरी होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि पुष्यमित्र सुंग जो कि मौर्य वंश का कौन था उत्तराधिकारी मौर्य वंश का उत्तराधिकारी था जिसने सुंग वंश की स्थापना की थी और मगध से शासन चला रहा था उसकी अब हार हो गई बहुत बड़ी बात है ये ठीक है और इस युद्ध का जो वर्णन है वो हाथी गुंफा अभिलेख में हमें देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि धीरे 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 ये जो शुंग वंश है इसकी प्रतिष्ठा कम होती जाती है जो छोटे मोटे राज्य हैं उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि जब खारवेल हरा सकता है तो हम भी हरा सकते हैं एक विजय अभियान और आता है इसका यवन आक्रमण देखिए आप जानते हैं समय समय पर हमारे भारत देश में उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र है वहां पर लगातार आक्रमण होते रहे इसी प्रकार से पुष्यमित्र शुंग के समय पर यवन आक्रमण हुआ इसका वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है मालविकाग्न मित्रम आप, आपको मैंने बताया था मालविकाग्न मित्रम जिसकी जिसकी रचना की थी कालिदास ने अग्निमित्र और अग्निमित्र और जो यज्ञ सेन है उसकी जो चचेरी बहन थी मालविका उसकी लव स्टोरी है इसमें इस साहित्य के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है यवन आक्रमण के बारे में तो कौन था उस समय पर शासक देखिए डेमिट्रियस नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था तो ऑब्वियसली आप समझ जाइए किससे होगी युद्ध युद्धविद्ध की बात है इसी से ही होगी इसके अलावा एक और आपकी आपका साहित्यिक स्रोत है गार्गी संहिता और गार्गी संहिता के माध्यम से भी हमें यवनों के बारे में यवनों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है किस प्रकार से यवन ने हमारे भारत देश में एंट्री पा ली किस प्रकार से हमारे जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इन्होंने अधिकार जमा लिया हमारे भारत देश के आंतरिक भागों में यानी कि साकेत मथुरा तक ये पहुंच चुके थे ठीक है आप देख लीजिए पाटलीपुत्र तक पहुंच चुके थे ये अब आप मुझे बताओ केंद्रीय सत्ता को संभालने का कारोबार किसके हाथों में था पुष्यमित्र सुंग के हाथों में था लेकिन पुष्यमित्र सुंग मौर्य मौर्य शासन के समय पर जो राज्य था उसको कायम नहीं कर सका इस प्रकार से पुष्यमित्र सुंग का भी हात्मा हुआ और सुंग वंश की भी नीव ठीक है ना नींव क्या मतलब पूरा पेड़ ही खत्म हो गया इसके बाद कर्णव वंश की स्थापना की जाती है देखो सुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है देवभूति उसकी हत्या कर दी जाती है और वसुदेव के द्वारा जो है कण्व वंश की स्थापना कर दी जाती है इसको हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अभी कुछ इसके उत्तराधिकारी हैं जो कि कमजोर साबित हुए थे उनके बारे में समझना और पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है बस एक अग्निमित्र है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए और अग्निमित्र और ये जो मालविका है इसकी लव स्टोरी ध्यान रखना जैसे कि मालविकाग्निमित्रम किताब में लिखा गया है कालिदास के द्वारा ये कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका है ना तो पुष्यमित्र सुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आता है अग्निमित्र और अग्निमित्र जो है सुंग वंश की नींव को और मजबूत करने का प्रयास करता है लेकिन उस समय पर आक्रमणकारी हमारे भारत देश पर आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं और किस प्रकार से जो आसपास के राज्य होते हैं वो भी, वो भी मगध साम्राज्य से स्वतंत्र होना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है देखिए पुष्यमित्र पुष्य मित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा और विदिशा का गोप्ता यानी कि उपराज्य यानी कहने का मतलब आप राज्यपाल समझ सकते हैं तो जब पुष्य मित्र शुंग का शासन था उस समय पर ये विदिशा का कौन था ये राज्यपाल था और कालिदास ने आप जानते हैं कि मालविका अग्निमित्रम के माध्यम से मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी का वर्णन किया है बहुत ही शानदार है अगर मौका मिले तो पढ़ना जो भी बच्चे संस्कृत साहित्य लेते हैं है ना उनको ये स्टोरी पढ़ने को मिलती है इसके बाद देखना छोटे मोटे शासक होते हैं पुराणों में वायु पुराणों में मदस्य पुराणों में इन शासकों के बारे में जानकारी दे रखी है कौन कौन से शासक थे ये वसुमित्र आंद्रक पुलिंदक घोष वज्रमित्र भागवत और देवभूति तो इस प्रकार से ये राजा होते हैं लंबे समय तक शासन नहीं कर पाते हैं छोटे मोटे दो तीन साल दो तीन साल दो तीन साल ऐसे चलता रहता है और इस प्रकार से आप जानते हैं लास्ट साचक कौन होता है देवभूति और देवभूति की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा कण्वन कण्व के द्वारा कौन होता है वसुदेव के द्वारा ठीक है अब एक बात ध्यान रखना आप भागवत ने भागवत ने एक मिनट रुको हाँ ये भागवत के नाम से इसको जानते हैं इसका सही नाम था भागभद्र भागभद्र ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा में कर्ण स्तंभ की स्थापना करवाई और भागवत विष्णु की पूजा करता था ठीक है ना आप ध्यान रखना ये भागवत ये भागवत दिख रहा है आपको ये भागवत ये जो भागभद्र था इसने भागवत धर्म को ग्रहण किया इसके बाद विदिशा जो इनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था वहाँ पर करुण स्तंभ की स्थापना करवाई और उसके बाद विष्णु की पूजा इसने करी कुछ इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है महत्वपूर्ण बस ये है कि मालविकाग्निमित्र जिसकी रचना किसने की थी कालिदास और इसमें अग्निमित्र और मालविका इन दोनों की लव स्टोरी है ठीक है चलिए इसके बाद आप जानते हैं कि देवभूति ये देवभूति वंश का एक अंतिम शासक था और इसका मंत्री था कौन था वासुदेव इसी ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था वंश जिसका नाम क्या था कण्व वंश तो आप समझ जाइए जिस प्रकार से भृदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने करी थी उसी प्रकार से देवभूति की हत्या किसने की थी कण्व वंश के शासक वसुदेव ने जो कि सुंग वंश के समय पर मंत्री था किसका ठीक है समझ जाइए चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुंगकालीन कला के बारे में क्योंकि तो शुंग वंश के समय पर आप समझ सकते हैं कि एकदम से चीजें चेंज होना स्टार्ट हुई क्योंकि धर्म ही चेंज हो गया हमारे भारत देश का प्रमुख धर्म उस समय पर क्या था बौद्ध धर्म था लेकिन शुंग वंश के आने के बाद किस प्रकार से हमारे भारत देश का धर्म जो है वो क्या बन गया ब्राह्मण धर्म बन गया अब आप देख लीजिए इसीलिए हम लोग कालीन कला के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में तो देखिए इसी प्रकार से ये बहुत सारे जो हैं मंदिर का निर्माण करवाता है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण करवाता है चैत्य और बिहार का निर्माण भी करवाता है ठीक है तो देखिए शुंग वंश के समय पर कौन कौन सी कला विकसित हुई थी आप जानते हैं करुण स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी ये तो आप जानते ही हैं जस्ट मैंने आपको बताया था भागवत जिसको हम लोग भागभद्र के नाम से भी जानते हैं भाजा के चैत्य और विहार का निर्माण करवाया था उस समय पर अजंता का नवा चैत्र जो मंदिर है वहाँ पर उसका निर्माण भी इसी वंश के समय पर हुआ था नासिक और कारले का चैत्य मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शुंग वंश के समय पर कौन कौन सी मंदिर विहार स्तंभ और स्तूप का निर्माण हुआ था ठीक है ध्यान रखना एक सबसे महत्वपूर्ण बात है शुंग काल शुंग कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित थे यानी कि आप समझ जाइए कि उसमें धार्मिक विषयों की को कम महत्व दिया गया था लौकिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया था ठीक है अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि सुंग काल हम लोग पढ़ते क्यों हैं काल क्या सुंग काल ने मगध राज्य की जो पुरानी प्रतिष्ठा थी उसको वापस रिवाइव किया तो आप सभी लोग जानते हैं सुंग वंश ने ऐसा नहीं कर पाया कोशिश तो की लेकिन बाद में उसके जो उत्तराधिकारी थे मजबूत नहीं हो पाए मजबूत शासक नहीं बन पाए और शुंग वंश का पतन हो गया लेकिन फिर भी आप देखना शुंग वंश का बहुत अधिक महत्व है किस दृष्टिकोण से राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व से काफी महत्वपूर्ण है क्यों क्योंकि आपने आपको पता है जस्ट अभी हम लोग ये मौर्य वंश खत्म करके आए हैं किस प्रकार से उस समय पर हमारे भारत देश में बौद्ध धर्म का बोला बाला था लेकिन किस प्रकार से एकदम से चीजें चेंज हुई एकदम से चीजें चेंज हुई और हमारे भारत देश में क्या हुआ वैष्णव धर्म का वापस रिवाइव हुआ ब्राह्मण धर्म का वापस जो है ट्रेंड आया उस समय पर यानी कि मौर्य वंश के समय पर हमारे भारत देश की जो भाषा थी वो क्या थी पाली भाषा थी प्राकृत भाषा थी लोकल भाषा में सभी को उपदेश दिए जाते थे महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था लेकिन जैसे ही शुंग वंश आता है वैसे ही संस्कृत भाषा मुख्य भाषा हो जाती है और वापस हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होता है उस समय पर आप ध्यान रखना एक था महर्षि पतंजलि इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है ये काफ़ी मोटिवेट करता था किसको ये करता था मोटिवेट पुष्यमित्र सिंग को अब आप ध्यान रखना संविधान संविधान के बारे में आप जानते हैं ना हमारे भारत देश के संविधान का निर्माण किसने किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा अब आपको एक संविधान और मिलेगा इसे हम लोग प्राचीन भारत का संविधान बोलते हैं क्या बोलते हैं प्राचीन भारत का संविधान इसके माध्यम से हमारे भारत देश में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर प्रकार की गतिविधियों का संचालन होगा जिस प्रकार से हमारे संविधान एक सर्वोच्च दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम लोग सरकार को चलाते हैं उसी प्रकार से आप ध्यान रखना मनुस्मृति बन जाएगी और मनु के बाद किस प्रकार से हमारे भारत देश में चीज़ें गलत होना स्टार्ट हो जाएंगी मनुस्पृति में आप ध्यान रखना दो वर्ग एक तो थी महिला और एक वर्ग था आपका दलित इन दोनों की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है समझ में आया जो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ था जो शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था मौर्य काल के समय पर बौद्ध धर्म के समय पर वो वापस जो है गर्दिश में चले जाएंगे मनु मनुस्मृति में ऐसी बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगा उससे आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हमारे भारत देश में महिलाओं की स्थिति वापस गिर गई और फिर लगातार गिरती जाएगी क्योंकि शुंग काल के बाद लगातार जो है वैष्णव धर्म का शैव धर्म का प्रचार प्रसार होता रहता है और आप जानते हैं ब्राह्मण धर्म महिलाओं और शूद्रों के अधिकारों को छीन छीन लेता है तो आप समझ जाइए मनुस्मृति इस मनुस्मृति ने महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में काफ़ी गिरावट डाली और आप जानते हैं जो भी संविधान निर्माता हैं मतलब जो भी आपके दलित वर्ग के लोग हैं महिलाएं हैं कभी कभी आंदोलन होता है तो वो मनुस्मृति को चलाते हैं देखा होगा आपने अक्सर दलितों के आंदोलन में आपको मनुस्मृति जलती हुई दिखाई देगी और वहीं पर जो आपके अपर कास्ट के लोग हैं जो कि ब्राह्मण हैं और भी लोग आते हैं वो संविधान की कृति को जलाते हैं ऐसा विवाद आपने देखा होगा यूपी में बिहार में इस प्रकार से संघर्ष आपको देखने को मिला होगा है ना जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो संविधान को जलाते हैं और निम्न वर्ण के लोग हैं वो किसको जलाते हैं वो जलाते हैं किसको अनु मनुस्मृति को तो आप समझ सकते हैं निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके अधिकारों को छीना था किसने मनुस्मृति ने और संविधान में संविधान के निर्माण को सोचते हैं उच्च वर्ण के उच्च वर्ण के लोग कि हमारे विशेषाधिकार को छीन लिया गया संविधान है विशेषाधिकार को नहीं छीना संविधान तो सभी को समानता की बात करता है चाहे महिला हो चाहे वो आपके कौन हो शूद्र हो समानता की बात करता है ठीक है तो मनुस्मृति आने के बाद दलितों और महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई वो तो बात अलग है ही है इसके साथ साथ आप ध्यान में रखना हमारे भारत देश की परंपरा में काफ़ी रूढ़ीवादी चीज़ें जुड़ना स्टार्ट हो गई सती प्रथा बाल विवाह विधवाओं का वापस पुनर्विवाह नहीं किया जाएगा है ना विधवाओं की स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय हो गई उनको टकला कर दिया जाता था सफ़ेद साड़ी पहनी जाती थी दी जाती थी चप्पल नहीं मतलब जो है वो पहन सकती थी श्रृंगार नहीं कर सकती थी इस प्रकार से विधवा की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय हो गई और शूद्रों की बात करता हूँ शूद्रों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी अगर शूद्रों की परछाई भी अगर किसी अपर कास्ट पर पड़ गई ना तो समझ जाइए उसको खूब पीटा ठोका जा, जाता था उसको तो ये सब बातें हैं ओके चलिए ओके अब आगे आप देखिए आगे क्या होता है तो हम लोगों ने देखा कि मनुस्मृति का उस समय पर निर्माण हो चुका था और मनुस्मृति के माध्यम से हमारा समाज हमारा राजनीतिक संरचना इन सबका विकास हुआ था और मनुस्मृति के बाद हमारे समाज में क्या आया रूढ़िवादी चीज़ें जुड़ना स्टार्ट हुई और आप ध्यान रखना इसी काल में यानी कि शुंग वंश के समय पर ही वापस भागवत धर्म का उदय हुआ किसका धर्म का उदय हुआ भागवत धर्म इसको हम लोग वैष्णव धर्म के नाम से भी जानते हैं इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं कृष्ण के धर्म के नाम से भी जानते हैं ठीक है ना इसमें प्रमुख रूप से वासुदेव विष्णु की उपासना की जाती है विष्णु कौन स, वासुदेव विष्णु कौन आप जानते हैं कृष्ण भगवान ये विष्णु का ही एक रूप थे इसके अलावा आप ध्यान रखना इसके समय पर इसके समय पर आप ध्यान रखना मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे और शुंग काल में क्या हुआ शुंग काल में पाषाण का प्रयोग किया गया यानी कि पत्थर का प्रयोग किया गया इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि शुंग काल का जो आपका काल है समय है वो राजनैतिक और सांस्कृतिक महत्व से काफ़ी महत्वपूर्ण है एकदम से सारी की सारी जो चीज़ें थी वो चेंज होना स्टार्ट हो गई मगध साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हुआ और आसपास के जो राज्य हैं वो स्वतंत्र होना स्टार्ट हो गए और किस प्रकार से धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वापस ब्राह्मण धर्म का उदय होता है क्लियर है वैसे तो आप जानते हैं शुंग वंश का कोई भी इतना महत्व नहीं है अब देखिए शुंगकालीन कला जो है लगभग लगभग आपकी समाप्त हो जाती है एक और है इसको आप और पढ़ लीजिए शुंग राजाओं का काल वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल किस वंश को कहा जाता है तो वो है आपका कौन सा सुंग वंश पुष्य मित्र सुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान कर दिया ओके ठीक है यहां पर सुंग वंश खत्म हो चुका है किसी को कोई डाउट हो तो एक बार मुझे बता दो कि सर ये डाउट है किसी को कोई डाउट नहीं है ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं देखो याद कीजिए हम लोग क्या बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे उत्तर काल की और उत्तर काल में दो प्रकार के आपके कौन थे शासक थे एक थे आपके देसी और एक थे आपके विदेशी विदेशी में सबसे पहले हम लोगों ने सुंग वंश की बात करी इसके बाद अब हम लोग कण्व वंश की बात करेंगे उसके बाद जो भी आपके होते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे जैसे कि आप जानते हैं सात वाहन जो कि दक्कन के पठार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे क्योंकि उत्तर भारत में तो वैसे भी शुंग वंश खत्म हो ही रहा था कण्व वंश खत्म हो ही रहा था इसके बाद आप जानते हैं चेदी वंश जिसे हम लोग महामेघ वाहन वंश के नाम से जानते हैं ये उस समय पर प्रमुख आपके कौन थे राजवंश थे अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं कण्व वंश के बारे में तो कण्व वंश ने कब से कब तक शासन किया कण्व वंश ने पिचहत्तर ईसा पूर्व से लेकर तीस ईसा पूर्व तक शासन किया कब से कब तक 75 ईसा पूर्व से तीस ईसा पूर्व तक शासन किया याद कीजिए उस समय पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लगातार युद्ध हो रहे थे लगातार जो है वहाँ पर आक्रमण हो रहे थे उत्तर पश्चिमी सीमा जो है काफ़ी संवेदनशील सीमा बन चुकी थी लगातार हमारे भारत देश में आक्रमण होते रहे कण्व के शक के पहलव के कुषाण के और ये लंबे समय तक चलता रहता है हमारे भारत देश में कब तक चलेगा जब तक हमारे भारत देश में कोई केंद्रीय सत्ता की स्थापना नहीं हो जाएगी ठीक है तो कण्व वंश की स्थापना की बात करते हैं हम लोग वासुदेव वासुदेव इसके संस्थापक थे एक बार मैप में आप देख लीजिए आप देखिए मगध साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य की हम लोग बात करें तो मौर्य साम्राज्य लगभग लगभग ऐसे फैला हुआ था देख सकते हैं आप और किस प्रकार से वंश जो है आते आते यानी कि पचहत्तर ईसा पूर्व आते आते किस प्रकार से मगध यानी कि या आप देख सकते हैं बंगाल बिहार और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है वहां तक सीमित हो गया ये समझ में आया आपको ओके चलिए तो वो सब छोड़िए धीरे धीरे जो है मगध साम्राज्य का क्या हो जाएगा खात्मा हो जाएगा पतन हो जाएगा कोई ना ये चीजें तो चलती रहती हैं आज आप सोचते हो कि ये मेरी जमीन है आप सोचते हो ये मेरी जमीन है मेरे पापा ने खरीदी है और इस पर मेरा अधिकार है हो सकता है कि वो जमीन हो सकता क्या ऑब्वियसली होगा कि वो जमीन किसी और की होगी है ना फिर किसी और की होगी फिर किसी और की होगी तो कोई भी चीज स्थाई नहीं है पैसा जिस प्रकार से गतिशील होता है आज आपके पास कल किसी और के पास परसों किसी और के पास उसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति जायदाद दौलत सब कुछ ऐसी ही है कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है हम लोग कब दुख देखते हैं दुख तभी देखते हैं हम लोग जब उसको हम लोग अपनी मान मान लेते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को अपनी मान लेते हैं और उसके प्रति हमारा मोह काफ़ी बढ़ जाता है जब वो हमसे दूर जाती है दुख तभी होता है चाहे वो आपकी वस्तु हो चाहे कोई आ, कोई आदमी हो कोई लड़की हो कोई भी हो है ना तो संसार में आए हो और दुख ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन कुछ इंसान अपने आप को संभाल लेते हैं गीता में लिखा गया है कि कर्म बंधन में ना पड़ो कर्म करो लेकिन बंधन में मत पड़ो सभी से प्यार करो लेकिन मोह किसी के बीच मोह किसी के लिए नहीं होना चाहिए जहां पर मोह होगा प्यार में जहां पर मोह होगा वहां पर आपको दुख का सामना करना ही पड़ेगा प्यार सबसे करो प्यार सबसे करो लेकिन मोह नहीं होना चाहिए चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो घोड़ा हो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो चाहे कोई भी हो मोह नहीं होना चाहिए अगर मोह होगा तो वो चीज़ आपसे दूर जाएगी तो ऑब्वियसली आपको दुख होगा और आप जानते हैं कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगी ये सत्य है और ये हमेशा सत्य रहेगा ठीक है चलिए तो ये तो आप फिलोसफी की कुछ बातें हो गई फिलॉसफी की बातों को छोड़ते हुए हम लोग वापस आते हैं सुंग वंश के अंतिम सम्राट कौन थे देवभूति इस देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली कब डाली पिचत्तर ईसा पूर्व में इसकी नींव डाली इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है इसकी जानकारी हमें हर्ष चरित्र नामक पुस्तक से प्राप्त होती है हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी आप जानते हैं बाण भट्ट के द्वारा चलिए आगे आप देखिए आगे क्या होता है कणव वंश के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बस इतना ध्यान रखना वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई थी बस इतना ही सफिशियंट ज़्यादा नहीं वासुदेव ब्राह्मण वंश था सॉरी वासुदेव ब्राह्मण वंश का था ऑब्वियसली शुंग वंश भी ब्राह्मण वंश का था ये भी ब्राह्मण वंश का था तो कला के क्षेत्र में संस्कृति के क्षेत्र में कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन शुंग काल में संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है आप देखते हैं किस प्रकार से राज्य का धर्म पहले बौद्ध धर्म था और किस प्रकार से ब्राह्मण धर्म हो जाता है तो ब्राह्मण वंश था वैसे भी तो वैष्णव धर्म को ही सपोर्ट करेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके जो सुंगों ने जो परंपरा स्टार्ट की थी धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में वही कंटिन्यू होती है ठीक है कण्व वंश के समय पर चार शासक हुए थे ये चार शासक कौन कौन से थे इनका नाम ध्यान रखना एक है आपका वसुदेव एक है आपका भूमिमित्र फिर है नारायण फिर है आपका सुशर्मन ओके यहां पर आप ध्यान रखना अंतिम शासक जो होता है कण्व का जिसका नाम होता है सुसरमन इसकी हत्या कर दी जाती है सिमुख के द्वारा और सिमुख कौन था ये था सातवाहन का संस्थापक एक नए ब्राह्मण वंश की स्थापना की जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं सातवाहन इसे हम लोग आंध्र सातवाहन के नाम से भी हम लोग जानते हैं सुसरमन की हत्या करने के बाद सिमुख ने एक नवीन ब्राह्मण वंश की स्थापना करी जिसे हम लोग आंध्र सातवाहन के नाम से जानते हैं क्वेश्चन पूछा गया है आपसे सात वाहन के संस्थापक कौन थे वो थे आपके सिमुख ठीक है चलिए यहां पर अब हम लोग कण वंश को खत्म कर देते हैं और हम लोग जो है सात वाहन की स्थापना करते हैं सात वाहन ने कब से कब तक शासन किया सात वाहन ने जो है आप ध्यान रखना सात वाहन ने तीस ईसा पूर्व से लेकर दो सौ पचास ईसा पूर्व तक शासन किया ठीक है चलिए एक महत्वपूर्ण बात है जो आप हमेशा ध्यान में रखना यहाँ पर हमारे बहुत सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं तो आप उनको ले सकते हैं जो भी बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं तो उन वो उनको जॉ ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप जानते हैं कि आइकॉनिक और प्लस है जिस पर 35 परसेंट का ऑफर चल रहा है तो जितना जल्दी हो सके 30 तारीख से पहले आप ले लीजिए अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं आप लोन भी ले सकते हैं अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो बहुत कम फीस के माध्यम से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं है ना यहाँ पर 35 परसेंट का ऑफ़र आप जानते हैं चल रहा है इसके अलावा एक्सटेंड ऑफ़र है जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं होता तब तक ये काम करता रहेगा अनकेडमी कॉम्बैट और अनएकेडमी जो टेस्ट होता है वहाँ पर आप बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए भारी भरकम छूट पा सकते हैं और मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं जब भी आप बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करोगे तो अलग से आपको नंबर दिया जाएगा जिस पर मेरे से आपकी डायरेक्ट बात होगी ओके और टेलीग्राम ग्रुप है देख लेना आप ये टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको मेरे से जुड़ने का वो मिलेगा मौका ओके और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है यहां पर नंबर भी दे रखा है आप टीम से पूरी जानकारी ले सकते हैं देखिए ये अपना ग्रुप जिसमें बारह हजार सात सौ बावन बच्चे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर क्लास के लिंक क्लास का नोटिफिकेशन पी फाइल सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगी ये है ग्रुप डिस्कशन और ये है जीएस पेपर आंसर राइटिंग ग्रुप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर इसी नाम से आप सर्च करना तो आपको समझ में आ जाएगा ओके ठीक है चलिए तो ये कुछ बातें हो गई और यहाँ पर यह नंबर दे रखा है ये कोड है इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप एडमिशन ले सकते हैं जब भी आप एडमिशन लें तो टीम से कॉन्टेक्ट कर लें आप ठीक है ओके यू में गाइडेंस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है तो गाइडेंस के लिए मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ कोई भी दिक्कत आती है अनकैडमी पर तो मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा ठीक है तो हम लोगों ने आंध्र सात वाहन वंश की स्थापना कर ली थी आंध्र सात वाहन वंश इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे बता दो कि सर ये दिक्कत है हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है अभी मैं बोल रहा हूं कि यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वहां पर स्टार लगा रहा हूं ठीक है ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी बिठाने के लिए आपसे आपको पूछा गया है मैंने कहा था कि जो शब्दावलियां होती हैं शब्दावलियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं शब्दावलियों को याद करना तो मौर्य काल की शब्दावली प्रशासनिक धार्मिक ये काफी महत्वपूर्ण होती है।, है ना जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे वहां वहां से मैं आपको बता दूंगा अभी तो फिलहाल जो सात वाहन हम लोग पढ़ रहे हैं आंध्र सात वाहन उसमें सिर्फ और सिर्फ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है इसका संस्थापक इसका संस्थापक कौन था इसका संस्थापक था आपका कौन सिमुख था इसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है इसका संस्थापक कौन था इसका संस्थापक था आपका सिमुख एक ये मैप देखिए आप इस मैप के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि सात वाहन कहाँ से कहाँ तक सात वाहन कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे तो आप देख सकते हैं ये दक्षिण का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है यहाँ पर सात वाहन फैले हुए थे दिख रहा है आपको ये ये सात वाहनों का एरिया है चलिए तो सात वाहन का संस्थापक कौन था सात वाहन का संस्थापक था सिमुक कौन था सिमुक और सात वाहन का शासन क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप जान सकते हैं देखिए ये महाराष्ट्र का प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पर अवेलेबल है महाराष्ट्र तो लगभग यहाँ पर पूरा कवर है इसके अलावा कर्नाटका का जो उत्तरी क्षेत्र ये भी यहाँ पर शामिल है और आंध्रा का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये भी यहाँ पर शामिल है तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र सात वाहन के हाथों में था इन्हें हम लोग आंध्र भ्रत के नाम से भी जानते थे और अभिलेखों में इनको सात वाहन के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए तो अब आगे हम लोग बात करते हैं आगे क्या होता है की की राजधानी राजधानी कौन थी जिसे हम लोग जानते हैं प्रतिष्ठान और पैठान के नाम से स्टेट पीसीएस में कई बार यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओके तो यह ध्यान रखना दो चीज एक तो संस्थापक का नाम क्या था सिमुख और दूसरी है आपकी इसकी राजधानी प्रतिष्ठान और पैठन इसकी राजकीय भाषा क्या थी इसकी राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि इसकी कौन सी थी ब्राह्मी लिपि थी प्राकृत इसकी भाषा थी लिपि कौन सी थी ब्राह्मी लिपि थी चलिए इस वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है इस वंश के बारे में हमें जानकारी अभिलेख के माध्यम से मिलती है सिक्कों के माध्यम से मिलती है और स्मारक से प्राप्त होती है तो आप समझ जाइए इस वंश के बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोत से काफ़ी ज़्यादा मिलती है हालांकि आप जानते हैं सातवाहन के बारे में जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत जिसका नाम है मत्स्य पुराण उसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है लेकिन यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे अभिलेख और गुहालेख के माध्यम से हमें अब देखते हैं कौन कौन से अभिलेख और गुहालेख हैं जिसके माध्यम से हमें सात वाहन के बारे में जानकारी मिलती है तो सबसे पहला आपका आता है रानी नागनिका का नाग नानाघाट अभिलेख कौन सा रानी नागनिका का नामाघाट अभिलेख यह कहाँ पर है पुणे और महाराष्ट्र में फिर है गौतमी सातकर्णी के नासिक से प्राप्त दो गुहा अभिलेख फिर है आपका गौतमी बल श्री का नासिक गुहा अभिलेख फिर है आपका वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का नासिक गुहा अभिलेख वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का कार्ले गुहालेख और यज्ञ श्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख तो इस प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से अभिलेख और गुहालेख के माध्यम से हमें सात वाहन के शासन के बारे में जानकारी मिलती है देखिए अब हम लोग सातवाहन के बारे में कुछ बात करते हैं सात वाहन वंश किसी न किसी रूप में लगभग तीन शताब्दियों तक बना रहा यानी कि आप समझिए बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन का शासन किया इनके शासन के समय पर इनका जो राज्य है वो कभी विस्तारित हुआ और कभी कम हुआ कभी विस्तारित हुआ कभी कम हुआ ठीक है लेकिन लगभग लगभग तीन शताब्दियों तक इन्होंने शासन किया मैंने कहा था 75 ईसा पूर्व से लेकर इन्होंने सॉरी तीस ईसा पूर्व से लेकर लगभग दो ईसवी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया एक बहुत बड़ी लंबी अवधि है ओके चलिए अब देखिए सात वाहन है तो सात वाहन के शासक के बारे में भी पढ़ेंगे सात वाहन में आप जानते हैं एक है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी और दूसरा है आपका वशिष्ठी पुत्र पुलवामी इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सातकर्णी प्रथम के बारे में भी आपने सुना होगा ये भी स्टार्टिंग का सातवाहन का एक प्रमुख शासक हुआ करता था तो सातकर्णी प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा और छोटे मोटे जो आपके वो हैं शासक उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा बीच बीच में और कहूंगा कि इसको ध्यान में रखना यहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है सारी की सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है क्लियर है चलिए सातवाहन वंश का पहला शासक कौन था यह था आपका सातकर्णी प्रथम ठीक है इसकी उपलब्धियों के बारे में इसके विजय अभियानों के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है अभी मैंने आपको बताया था रानी नाग ने नागा नाना घाट अभिलेख से ये आपको दिख रहा है सातकर्णी प्रथम कुछ इस प्रकार का हुआ करता था उस समय पर राजाओं की जो ड्रेसिंग सेंस था वो भी काफी अल्टीमेट टाइप का था क्लियर है बड़ी बड़ी मूछें बड़ी बड़ी भुजाएँ पता नहीं उस समय पर ये बॉडी बॉडी कैसे बनाते होंगे आजकल तो बॉडी जो है प्रोटीन शेक से काफ़ी बन जाती है, है ना चलिए वो सब छोड़िए तो सातकर्णी प्रथम के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है यह है रानी नागनिका का अभिलेख जिसे हम लोग नानाघट अभिलेख के नाम से भी जानते हैं सातकर्णी प्रथम ने क्या किया सातकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेघ किए दो अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से इस अपने साम्राज्य का विस्तार किया ठीक है इसके अलावा एक राजसूय यज्ञ भी किया इसने ये महत्वपूर्ण नहीं है सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की यह उपाधियां भी आपसे नहीं पूछेगा चिंता मत कीजिए क्लियर है सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्णित करवाई ठीक है तो आर्थिक व्यवस्था के चित्र में देखा जाए तो इन्होंने दो प्रकार की मुद्राएं बनवाई एक तो गोल मुद्राएं और एक रजत यानी कि चांदी की मुद्राएं उसके सिक्के पर श्री सात लिखा होता था श्री सात का मतलब क्या होता है सातकर्णी श्री ठीक है तो सात करने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है जिसके माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि ये सिक्का कहाँ का है किस वंश का है यह है आपका सात वाहन वंश का इसके बाद एक और आपका महानतम शासक आता है जिसका नाम है हाल हाल इसके बारे में दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है ज़्यादा बातें इसमें महत्वपूर्ण नहीं है गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश का एक बहुत ही प्रमुख शासक होता है अभी हम जस्ट हम लोग हाल के बाद ही पढ़ेंगे तो हाल आता है और हाल देखो हाल के बारे में आपने देखा होगा मैंने बताया है कि जो सातकर्णी प्रथम है उसके आगे भी कोई डेट नहीं लिखी हुई है एग्जैक्टली exactly. और ऐसे ही मैंने हाल के बारे में भी कुछ डेट मेंशन नहीं किया क्यों क्योंकि इस इनके शासन के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है कब से कब तक इन्होंने शासन किया गौतमी पुत्र सातकर्णी के बात जितने भी शासक होते हैं सभी के बारे में आपको डेट सहित पढ़ाऊंगा मैं लेकिन हाल और जो गौत ये जो आपका था सातकर्णी प्रथम इसके शासनकाल के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है कब से कब तक इन्होंने शासन किया ठीक है सात वाहन वंश में हाल एक महंतम शासक था वह एक बड़ा कौन था कवि था ओके और ये बहुत सारे कवियों को और विद्वानों को आश्रय देता था यानी कि ये कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में इसने बहुत सारी कवियों और विद्वानों को आश्रय दिया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ किताब कुछ ना कुछ काव्य कुछ ना कुछ ग्रंथ की ग्रंथ का निर्माण तो होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये है गाथा सप्तशती कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखना जहां बोल रहा हूं कि भाई इसको ध्यान में रखना तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है तो इसको ध्यान में रखना गाथा सप्तशती गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना करी इसकी भाषा कैसी है इसकी भाषा प्राकृत है ठीक है इसके अलावा आप ध्यान रखना एक और किताब है जिसका नाम है बृहद कथा बृहत कथा ये पैशाची प्राकृत भाषा में रचित है ये पैशाची प्रकृत प्राकृत भाषा कैसी होती है आप मुझे बताओ प्राकृत भाषा की ही एक उपशैली है जिसे हम लोग पैशाची प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं इसके रचयिता कौन थे इसके रचयिता थे आपके गुणाढ़ ठीक है ना और कातंत्र सॉरी उसकी राज्यसभा में बृहत कथा की रचयता गुणाद्य और कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सेंटेंस सही नहीं बन पा रहा ना ये अच्छा देखो मेरी हाँ मेरी बात सुनो एक तो है आपका बृहत कथा इसका रचयता कौन है इसका रचयता है आपका गुणाड्य और कातंत्र आ, आ, आ। हाँ देखो कथा यार एक तो पुस्तक का नाम समझ में नहीं आता है साथ साथ में उनके रचयिता है उनका उनका भी नाम समझ में नहीं आता है तो ये यह कथा है इसका रचयिता कौन है गुणाड्य और कातंत्र है इसका रचयिता कौन है सर्ववर्मन है ना ये ध्यान रखना ये दो किताबें हैं ये दो किताबों के बारे में आपसे पूछ लेगा ठीक है और ये किताब ही काफी महत्वपूर्ण है एक है आपका कातंत्र और एक है आपका बृहद कथा ठीक है कातंत्र और बृहदकथा इनके बारे में ध्यान रखना ये है आपका बृहदकथा और ये है आपका कातंत्र कातंत्र का निर्माण किसने किया है सर्ववर्मन ने और बृहदकथा का निर्माण किया है गुणाड्य ने ठीक है ओके चलिए तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया तो यहां पर हाल की स्टोरी है वो खत्म हो जाती है इसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है गौतमी पुत्र सात करने की किसकी स्टार्ट होती है गौतमी पुत्र सातकर्णी की स्टोरी स्टार्ट होती है इसके बाद गौतमी पुत्र साथ करने की स्टोरी स्टार्ट होती है चलिए हम लोग देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में क्या है गौतमी पुत्र सातकर्णी का गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 106 से 130 ईसवी तक शासन किया कब से कब तक 106 से 130 सौ ईस्वी तक शासन किया ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या काम किया कहां-कहां तक इसने शासन को फैलाया इसके समय पर कौन कौन से ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने संरक्षण लिया हुआ था कौन कौन से सिक्के चलाए इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे देखो गौतमी पुत्र सात करने के बारे में कहा जाता है कि सातवाहन वंश में सबसे प्रमुख और सबसे प्रतापी राजा जो है वो कौन है गौतमी पुत्र सातकर्णी अब आप बोलोगे यार कि गौतमी पुत्र सातकर्णी वशिष्ठी पुत्र आपका पुलवामी यज्ञश्री सातकर्णी इनकी माता का नाम है ये गौतमी पुत्र यानी कि इनकी माता का नाम गौतमी था यानी कि आज हम लोग अपने पिताजी का सरनेम लगाते हैं उस समय पर सात वाहन के जो लोग थे ना सात वाहन शासन वंश के जो राजा थे वो अपनी माता का नाम लगाते थे ठीक है क्या ना फर्क पड़ता है माता का नाम लगाओ चाहे पिता का नाम लगाओ लेकिन इस समय पर भी मात्र सत्तात्मक सत्ता नहीं थी कहा जाता है कि मात्र सत्तात्मक सत्ता थी महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार दिए गए थे लेकिन ऐसा नहीं था महिलाओं की स्थिति तब भी बहुत बेकार थी ठीक है चलिए उसकी विजय की जानकारी के बारे में हमें मालूम चलता है एक अभिलेख है जिसका नाम है नासिक अभिलेख नासिक अभिलेख के माध्यम से हमें गौतमी पुत्र सात करने के बारे में जानकारी मिलती है कौन कौन से इसने क्षेत्र को जीता था इस अभिलेख में उसको किसकी संज्ञा दी गई है गौतमी पुत्र सात करने को इस अभिलेख में गौतमी पुत्र सात करने को अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा दी है यानी कि एक ब्राह्मण है ये ऐसा ब्राह्मण है इसके बराबर इसके समक्ष कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो इसके बराबर रखता हो क्वालिटी ठीक है इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने तीन समुद्रों का पानी किया था तीन समुद्रों का पानी पिया था तीन समुद्रों का पानी का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं कि भैया इसने पूरे भारत देश के पश्चिमी पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र पर इसने आक्रमण कर उनको अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था तीन समुद्रों का पानी यानी कि ये आप देख सकते हैं अरब की खाड़ी ये है आपकी बंगाल की खाड़ी और ये तो आप देख सकते हैं हिंद महासागर तो यहाँ से यहाँ तक इसका शासन था इसलिए बोला जाता है कि भाई साहब इसने तीन समुद्रों का पानी पिया हुआ था इसके अलावा ध्यान रखना गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वैण कटक स्वामी की उपाधि धारण की नाम रख लेना बस थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा ठीक है याद करने में अगर समस्या आए तो छोड़ देना इसको वैण कट ना कटक नामक इसने नगर की भी स्थापना करी भी। इसके अलावा उसने राजशाह तथा विध्य नरेश की उपाधि भी धारण करी ठीक है ये उपाधि धारण करना है या फिर आपको ये जो उपाधि है वैणकटक ये ध्यान रखना है कुछ भी याद नहीं रखना है आपको जहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि इसको ध्यान में रखना है तो वहाँ पर ध्यान रखना है आपको ठीक है आपसे पूछेगा वो नासिक अभिलेख नासिक अभिलेख के माध्यम से किस राजवंश के बारे में या फिर किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है तो आपको ध्यान रखना है वो है आपका गौतमी पुत्र सात करनी जहाँ पर मैं बोल रहा हूं वहां पर आपको फोकस करना है ठीक है इसके अलावा उसने बौद्ध संघ को अजकाल तथा कारले के भिक्षु संघ को कर्जक नामक ग्राम दान में दिए ठीक है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है आपसे बस आपको बस ये ध्यान रखना है कहने का मतलब ये है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी धार्मिक रूप से सहिष्णु था इसलिए उसने बौद्ध धर्म को भी सपोर्ट किया क्लियर है इसके माध्यम से आपको ये ध्यान में रखना है याद नहीं रखना है कौन कौन से राज्य उसने दिए थे इसके अलावा उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, तक फैला हुआ था ओके okay. इसके अलावा नासिक से चांदी के लगभग आठ हज़ार सिक्के प्राप्त हुए जिनमें एक तरफ नहपान और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सात करने का नाम मिलता है तो इन सिक्कों के माध्यम से हमें समझ में आता है कि भाई साहब सात वाहन का शासन यहाँ यहाँ तक था ठीक है जहाँ जहाँ तक जहाँ जहाँ पर इनके सिक्के मिले हैं उसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि सातवाहन का शासन कभी न कभी इस क्षेत्र पर तो रहा होगा तो यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी की स्टोरी खत्म होती है ध्यान रखना गौतमी पुत्र सातकर्णी एक से 130 वर्ष तक शासन करता है अब आगे आने वाले समय में कौन आएगा वो है वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी उसका पुत्र था ये वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी जो था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी का कौन था बेटा था वशिष्ठिपुत्र गौतमी गौतमी पुत्र साथ करने की कौन थी बीवी थी इसका बेटा कौन था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी अब बहुत सारे नाम हो जाते हैं कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए आप समझ में आप समझिए इस बात को बहुत सारे नाम है यहाँ पर था सातकर्णी प्रथम हाल गौतमी पुत्र सातकर्णी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी इन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है तो मैं बोलूंगा नहीं बस थोड़ा बहुत पढ़ते रहना बस और जहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई इसको याद कर रखना है तो उसको याद रखना ही रखना है क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए है ना वरना सारी चीजें याद रखोगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी देखिए अब हम लोग बात करते हैं पुत्र पुलवामी लगभग 130 ईसवी से लेकर एक सौ तक इसने शासन किया लगभग 130 ईसवी से लेकर एक ईसवी इस तक इसने शासन किया और ये कौन था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था गौतमी सातकर्णी का पुत्र कौन था ये? गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र ओके और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद शासक बनता है पुत्र पुलवामी आंध्र पर विजय के पश्चात उसे प्रथम सम्राट प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया क्या कहा गया पहली बार इसने आंध्र प्रदेश पर विजय हासिल करी इसीलिए इसको प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया इसके अलावा पुलवामी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद ज़िले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान यानी कि प्रतिष्ठान में बनाई थी औरंगाबाद कहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले यानी कि औरंगाबाद है आंध्र प्रदेश में और गोदावरी नदी के किनारे एक पैठान है जिसे कभी कभी प्रतिष्ठान के नाम से भी बहुत सारी किताबों में दे रखा है वहां पर इसने अपनी राजधानी बनाई और वहाँ से इसने शासन को संभाला अब देखिए इसके बाद अपने राज्य विस्तार के क्रम में क्या करता है ये अब राज्य विस्तार के क्रम में ये सख शासक रुद्र दमन से रुद्र दमन से ये क्या करता है युद्ध करता है ये रुद्र दमन जो है ना ये काफी महत्वपूर्ण शासक है सख वंश का ये दो बार हराता है रुद्र दमन को ये दो बार हराता है इसलिए पुत्र ये पुलवामी है ना इसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है सख शासक कौन था ये विदेशी शासक है ध्यान में रखना सख शासक इसका जो आपका महत्वपूर्ण शासक है रुद्रदमन इसने दो बार जो है रुद्रदमन को दो बार पराजित पराजित किया इसीलिए इसे दक्षिणा पथेश्वर को पथेश्वर की संज्ञा भी दी जाती है पुराणों में इसका नाम पुलोमा लिखा गया है यानी कि जहाँ जहाँ पुलवामा है इसका मतलब आप समझ जाना ये पुत्र पुलवामी के बारे में बात की गई है पुलवामी के बाद ये आते हैं आपके शिवश्री सातकर्णी ये लगभग एक से एक ईसा पूर्व तक शासन करते हैं ईस्वी तक शासन शासन करते हैं इसके बाद आते हैं शिवस्कंद सातकर्णी ये हैं एक से एक ईस्वी तक शासन करते हैं और सातवाहन वंश की नींव को बनाए रखते हैं इसके बाद आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी अब देखना यज्ञ श्री सातकर्णी है ये सात वाहन वंश के महत्वपूर्ण राजा थे अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है सात वाहन वंश की स्थापना किसने की थी तो आप जानते हैं किसने की थी वो था आपका सिमुख उसके बाद आपको कुछ गौतमी पुत्र सात करने के बारे में आप ध्यान रखना है नासिक अभिलेख के बारे में नासिक अभिलेख के माध्यम से हमें गौतमी पुत्र सात करने के बारे में जानकारी मिलती है और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में कहा जाता है कि उसकी घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था यानी कि पूरे के पूरा जो दक्षिण भारत का प्रायदीप एरिया है वहां पर इसने अपना शासन अपने साम्राज्य की स्थापना की थी वशिष्टी पुत्र पुलवामी के बारे में आपको ध्यान रखना है इसे प्रथम आंध्र सम्राट के नाम से हम लोग जानते हैं समझ में आया ठीक है इसके बाद यज्ञश्री के बारे में आपको ध्यान रखना है यह है आपका महत्वपूर्ण अंतिम राजा अंतिम राजा है इसके बाद सात वाहनों का खात्मा हो जाएगा ठीक है और सात वाहनों का खात्मा कैसे होगा जैसे ही यज्ञश्री की मृत्यु हो जाएगी सात वाहन के क्षेत्र में जितने भी सात वाहन के क्षेत्र में जितने भी आपके राज्य होते हैं ये सभी राज्य क्या हो जाएंगे स्वतंत्र हो जाएंगे सात वाहन जो आपका क्षेत्र है ये अनेक छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाएगा ठीक है ना आपस में लड़ेंगे ये लोग ठीक है कहा जाता है कि यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का बहुत बड़ा प्रेमी था इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे इतना प्रेमी था ये व्यापार वाणिज्य का और जल यात्रा का उसके उसने अपने समय में बहुत सारी जल यात्रा की थी ठीक है इसके अलावा इसके समय पर व्यापार वाणिज्य भी अच्छा खासा चल रहा था इसने व्यापार वाणिज्य के लिए काफ़ी ध्यान दिया और इसके समय पर काफ़ी पैसा वैसा आ गया था और इसके जो राज्यपाल होते थे उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसा आ चुका था तभी तो उसी पैसे के बल पर क्या किया इनके राज्यपालों ने इनके प्रांताध्यक्षों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया ठीक है और आप ध्यान रखना ये जो बलबन आप देखोगे बलबन और अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी और बलबन इस बात को जानते हैं कि भैया जो भी आपके प्रांत अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल होते हैं इनका वेतन कम किया जाए और इनको इनके अधिकार भी कम किए जाएं जब जब भी इनके अधिकार बड़े हैं तब तब इन्होंने विरोध का गूगल गूगल नहीं विरोध का बिगुल बजाया है इन्होंने ठीक है ना ओके okay, तो बलवन बलवन के बारे बलवन के शासन के समय पर और किसके शासन सा, के समय पर एक आता है आपका महत्वपूर्ण शासक वो है अलाउद्दीन खिलजी इनके समय पर ये जो आपके सामंत हैं जिन्हें हम राज्यपाल के नाम से भी जानते हैं इनकी शक्तियाँ छीन हो जाती हैं इनके अधिकार छीन लिए जाते हैं तभी तो लंबे समय तक ये शासन चलाते रहते हैं इसके अलावा ध्यान रखना इसके जो सिक्के थे आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यहाँ यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं कहने का मतलब यह है कि यहां यहां चलते थे ऑब्वियसली इसका शासन यहां यहां तक फैला हुआ आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और गुजरात तो इतना बड़ा एरिया सात वाहन के इतना बड़े एरिए सात वाहन का शासन फैला हुआ था यह स्त्री की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात मैंने कहा था इसका साम्राज्य जो है विखंडित हो जाता है जो राज्यपाल होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं सामंत जो होते हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके लोकल एरिया का राजा घोषित कर देते हैं ठीक है ना और ये तो आप जानते हैं सात वाहन का पतन कैसे हुआ लगातार विद्रोह हो रहे थे विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत देश में आ चुके थे उस समय पर सख आप जानते हैं रुद्र दमन का सामना किया था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने और दो बार रुद्र दमन को हराया भी था तो लगातार विद्रोह चल रहा था उसके जो सामंत हैं वो लगातार विद्रोह कर रहे थे दूसरी बात आप जानते हैं लगातार विदेशी आक्रमणकारी भी हमारे भारत देश पर आक्रमण कर रहे थे केंद्रीय शासन को संभालने के लिए एक मजबूत शासक की आवश्यकता होती है लेकिन उस समय पर कोई भी मजबूत शासक नहीं था ये था आपका कौन यज्ञ श्री सातकर्णी ये इतने बड़े शासन को संभालने में सफल नहीं हुआ इसी वजह से सामंतों ने अलग से स्वतंत्रता की घोषणा कर अलग से अपने राज्य की स्थापना कर ली और सातवाहन जो आपका साम्राज्य है वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया ठीक है चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सात वाहन वंश के बारे में किसने स्थापना की थी आप ध्यान रखना सिमुख ने और सात वाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे उनमें से तीन नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है एक है सातकर्णी प्रथम और दो नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है गौतमीपुत्र सातकर्णी वशिष्ठिपुत्र पुलवामी क्योंकि वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने सख्त शासक रुद्र दमन को दो बार पराजित किया था ठीक है इसके बाद यज्ञ श्री का नाम ध्यान में रखना क्योंकि यज्ञ सीरीज जो था वो सात वाहन का अंतिम शासक था अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सात वाहन कालीन संस्कृतियों के बारे में सात वाहन कालीन संस्कृतियों के बारे में इससे पहले कुछ डाउट हो आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझे बता दो कि सर ये प्रॉब्लम है हमें ये चीज समझ में नहीं आई है <coughs> इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है ना यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके कहां से बनेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में और मैं आपको भी बताऊंगा सामाजिक संगठन के बारे में यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे ओके यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर आप दिख नहीं रहे हैं क्या करोगे मुझे देखकर फिर आपका ध्यान जो है स्लाइड पर नहीं होता है आपका ध्यान फिर किस पर होता है आपका ध्यान होता है सिर्फ़ और सिर्फ मेरी शक्ल पर तो यहाँ पर आप जो है ध्यान दो कंटेंट पर बहुत ही शानदार है बहुत ही अल्टीमेट है बहुत ही फायदा मिलेगा और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं नाइन्टी नाइन परसेंट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत मतलब है यहाँ से ठीक है बाकी आपकी इच्छा है सर प्लीज़ फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लीजिए फ़ॉन्ट साइज़ सही है हमारा है ना ठीक है फ़ॉन्ट साइज़ सही है हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़ में कोई दिक्कत नहीं है आप थोड़ा सा जो है अपना उसको बढ़ाइए रिज़ोल्यूशन को सर जी थोड़ा सा जूम कर दीजिए प्लीज़ जूम क्या करना है इसमें थ्री सिक्सटी पी पे आप चलाओगे तो आपका आपका सही चल जाएगा कुछ ज़्यादा छोटे हैं क्या अब देखिए ज़्यादा छोटे हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर तो सर ब्रेक लेना है ब्रेक लेना है ठीक है ब्रेक लीजिए आप ओके तो हम लोग मिलते हैं दस मिनट की ब्रेक के बाद ये है आपका पेन और ये है वाइट बोर्ड सेलेक्ट कर लिया देखिए दस मिनट का ब्रेक हम लोग लेते हैं दस मिनट का ब्रेक अभी टाइम कितना हो रहा है अभी हो रहा है आठ बजकर पैंतीस मिनट हम लोग मिलते हैं आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर ठीक है चलिए ध्यान मत भूलना और हम लोग सात वाहन कालीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन कम बनेंगे लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे ठीक है ये कोड है इस कोड का हमेशा ध्यान रखना बी एस लाइफ ठीक है चलिए चलिए वेलकम बैक फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग बात कर रहे थे सात वाहन कालीन संस्कृतियों के बारे में चलिए तो हम लोग बात करते हैं सात वाहन संस्कृतियाँ किस प्रकार की थी एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी ऑप्शन इज ऑल लिंक ठीक है चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मिनट यहाँ पर हाईलाइटर कहाँ गया अपना ये हाईलाइटर चलिए तो हम लोग क्या बात कर रहे थे सात वाहन कालीन संस्कृतियों के बारे में सात वाहन युग सात वाहन युग दक्कन की भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट दोनों का मिश्रण है यानी कहने का मतलब सात वाहन के समय पर काफ़ी ज़्यादा जो है विकास हुआ था व्यापार व्या व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से बात करूं कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर सुधार हुआ था देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था इसके बाद हम लोग बात करेंगे सामाजिक संगठन यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है स्पेशली ये है आपका प्रशासनिक व्यवस्था देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आती है सामंती लक्षण सामंती लक्षण जिसने हमारे पूरे भारत देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया ये सामंती लक्षण सर्वप्रथम हमें सात वाहन काल में देखने को मिलते हैं यार आप देखिए जिस प्रकार से हमारे भारत देश में जो भी केंद्रीय केंद्रीय सत्ता होती है वो अपने प्रांतों को राज्यपाल के हाथों में छोड़ देती है यही राज्यपाल एक समय के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं जैसे ही केंद्र में सत्ता कमजोर होती है तो ये सामंती लक्षण जो हैं ये सर्वप्रथम हमें सात वाहन समय में देखने को मिलते हैं तो आप बोलोगे सर सामंती व्यवस्था तो हमें मौर्य काल में भी देखने को मिलती है लेकिन आप ध्यान रखना मौर्य काल हो चाहे वो आपका नंद वंश हो कोई सा भी वंश हो महाजनपद काल हो उस समय पर भी थे आपके सामंत लेकिन सामंतों को अधिकार नहीं दिए गए थे लेकिन सात वाहनों ने सामंतों को इतने अधिकार दे दिए कि उनको आप छोटा राजा भी बोल सकते हैं यानी केंद्र में बैठा हुआ बड़ा राजा है और जो राज्यों में बैठा हुआ आपका छोटा राजा है तो इतनी वहाँ पर शक्तियाँ दे दी तो एक समय के बाद आप जानते हैं जब सातवाहन आ, वंश का जो उत्तराधिकारी है कमजोर होगा तो ऑब्वियसली अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित कर लेती है यही गलती कर दी सात वाहन ने सात वाहन के पतन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी जाती है वो है सामंती व्यवस्था लेकिन गुप्तों के समय पर जो सामंती व्यवस्था थी उस तरह की सामंती व्यवस्था सात वाहन में नहीं थी यहां पर सामंती व्यवस्था जो है वो बाल्यकाल में है अपनी युवावस्था में आएगी अपनी प्रौढ़ावस्था में आएगी गुप्त काल के समय पर और ध्यान रखना गुप्त काल का जो पतन हुआ था उसके पीछे भी रीजन क्या था उसके पीछे भी रीजन था क्या सामंती व्यवस्था तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर सामंती व्यवस्था जिसकी वजह से हमारा पूरा भारत देश छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया ये छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहा करते थे ये सामंती लक्षण हमें सर्वप्रथम सात वाहन काल से ही देखने को मिलता है सामंतों को सामंतों की तीन श्रेणियां थी पहला तो आप जानते हैं राजा दूसरा था आपका महाभोज और तीसरा था तीसरा था आपका सेनापति यहाँ पर इनको वेतन तो दिया जाता था साथ साथ में इनको भूमि विदान में दी जाती थी और इस भूमि से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करके राजा को सबमिट करते थे अब कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किसको क्या पता ये तो बोलेंगे भाई सौ रुपये जनरेट हो रहा है सौ रुपये में से अस्सी रुपये हम हम जमा कर देते हैं बीस रुपये हम अपने पास रख लेते हैं लेकिन एग्जैक्टली exactly हो कितना रहा है इसके बारे में राजा को नहीं मालूम चलता था तो रेवेन्यू लॉस भी हुआ जिससे कि राजकोष कम हुआ राजकोष कम होता है तो सैनिकों की संख्या कम हो जाती है और किसी भी क्षेत्र को जीतने के लिए किसी भी मजबूत राज्य के लिए राजकोष का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है है ना आपने ये भी देखा होगा अर्थशास्त्र स्कॉटिल ने भी सप्तांग सिद्धांत दिया था और सप्तांग सिद्धांत में उन उसने राजकोष के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था कि भाई राजकोष काफ़ी महत्वपूर्ण है इसी प्रकार से आप ध्यान रखना सातवाहन शासन के समय पर जो अधिकारी हुआ करते थे उनको अमात्य और महामात्य के रूप में जाना जाता था ये शब्दावलियाँ आपको मौर्य काल में भी देखने को मिलेंगी और यहाँ पर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी यहाँ पर जिला है जिले को आहार के नाम से हम लोग जानते आहार 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 नहीं आहार ठीक है इसके अलावा इसके अलावा आप ध्यान रखना कि विकेंद्रीकरण शासन था ग्रामीण क्षेत्र के जो शासक थे उनको गोलमे कहा जाता था क्या ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रशासक होते हैं उनको गोलमे कहा जाता था गोल्मिक जो है एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें नौ रथ नौ हाथी पच्चीस घोड़े और पैंतालीस पैदल सेना होती थी अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सामंती व्यवस्था है ये कुछ सामंती व्यवस्था आपको छोटे राजा की तरह आपको देखने को मिल रही है इसके पास अपनी एक राजा अपनी अपनी एक सेना है इसके पास रेवेन्यू के सोर्स हैं इसकी एक खुद की एक जनता है और इसका एक निश्चित स्थान है जहाँ पर ये शासन कर रहा है तो आप समझिए कि के एक केंद्र में राजा है इसके नीचे एक प्रांत में राजा हो गया इसके नीचे एक ज़िले में राजा हो गया इसके नीचे आप समझिए ये, ये गाँव का भी राजा हो गया तो ये जो हैरारकी आपको देखने को मिल रही है ना यह कही कहीं ना कहीं सामंती व्यवस्था को जन्म देती है आगे आने वाले समय में आप समझ जाइए किस प्रकार एक के नीचे एक के नीचे एक उपराजा बनना स्टार्ट हो जाते हैं इनकी अलग अलग से एक सेना होती है इनको रेवेन्यू के सोर्स मिल जाते हैं इनकी शक्ति बढ़ती जाती है फिर एक समय के बाद ये अपने आप में आजाद हो जाते हैं जब केंद्र में सत्ता कमजोर होती है क्लियर है तो हम लोगों ने सात वाहन कालीन संस्कृतियों में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक व्यवस्थाएं एवं मुद्राएं किस प्रकार की थी कहा जाता है कि इस काल में कृषि जो थी वो काफ़ी उन्नत अवस्था में थी यहां पर व्यापार वाणिज्य भी काफ़ी अच्छा ढंग से चल रहा था वैसे भी आप जानते हैं क्योंकि सातवाहन काल है उसके राज्य की सीमा पश्चिमी पूर्व पश्चिमी और पूर्वी घाट से मिलती थी और ऑब्वियसली आप जानते हैं पूरे भारत देश में अगर आपको व्यापार करना है तो पश्चिमी और पूर्वी घाट से ही होगा तो अच्छा खासा उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ ऊपर से दक्षिण भारत की नदियों ने दक्षिण भारत की नदियों ने उपजाऊ भूमि का निर्माण किया जिससे फसल काफ़ी ज़्यादा हुई और उससे राजकोष बढ़ा ठीक है इसके अलावा हम लोग बात करते हैं राजा ने कितना परसेंट टैक्स लगाया तो छठवा भाग फसल का छठवा भाग उपज का छठवा भाग इसने प्राप्त किया जो कि हमारे वेदों के अनुसार है ठीक है इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पर मिलिंद पनहो और महावस्तु मिलिंद पनहो और महावस्तु से हमें मालूम चलता है कि वहाँ का जो व्यवसाय था एवं शिल्पियाँ जो थीं ओ सॉरी महावस्तु और मिलिंद पनहो साहित्य से हमें मालूम चलता है कि व्यवसायों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियाँ होती थी ठीक है श्रेणियों का मतलब आप संघ बोल सकते हो जो व्यापारी वगैरह होते हैं जैसे मान लीजिए कपड़ा निर्माण कपड़ा निर्माण व्यापारी हैं इनका एक अलग से संघ होगा जैसे कि लोहे से बनने वाले जो हथियार हैं उनका अलग से एक ग्रुप होगा ठीक है और इन सभी शिल्पियों के संघ और व्यवसायियों के संघ जो होते हैं इनका जो प्रधान होता है इसको श्रेष्ठिन के नाम से जानते हैं और राजा का ये प्रमुख एक अधिकारी हुआ करता था क्लियर है अपनी बातें ये हमेशा वहाँ पर रखता था जैसे कि मान लीजिए व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या है कोई प्रॉब्लम है तो भैया राजा को ये सूचित करेगा कि भाई साहब ये जो आपके व्यापारी हैं ये जो आपके शिल्पी हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए तो इस प्रकार से ये जो श्रेण है इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती थी इसके अलावा आप ध्यान रखना हाँ इनका कहाँ कहाँ पर व्यापार होता था तो आंतरिक व्यापार की हम लोग बात करें और बाह्य व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों काफ़ी अच्छे खासे थे आंतरिक व्यापार में तो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश और साथ साथ में जो आपके विभिन्न सटे हुए राज्य हैं वहाँ पर व्यापार वाणिज्य अच्छा खासा होता था अगर हम लोग बात करें अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्रम में श्रीलंका इसके अलावा जावा इसके अलावा सुमत्रा यहाँ से हमारा व्यापार होता था और मुख्य रूप से जल मार्ग के माध्यम से ऑब्वियसली पश्चिमी और पूर्वी सीमा क्षेत्र पर शासन कर रहे थे ये लोग तो जल के माध्यम से ही होगा इसके अलावा आप ध्यान रखना यहाँ पर व्यापार वाणिज्य में किस प्रकार की मुद्राओं का हम लोग इस्तेमाल करते थे तो व्यापार वाणिज्य में हम लोग चांदी और तांबे के सिक्के का इस्तेमाल करते थे जिसे हम लोग करशापण के नाम से जान रहे हैं किसके नाम से जिसे हम लोग करशापण के नाम से जान रहे हैं ठीक है चलिए ओके ब्रेक लेना भी जरूरी है ना क्या लगता है आपको ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है इससे वापस एनर्जी आ जाती है ओके okay, चलिए अब मेरी बात सुनिए आगे आप समझिए सात वाहन ने सर्वप्रथम सीसे की मुद्रा चलाई अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सीसे की मुद्रा किस किस शासक के द्वारा चलाई गई थी तो कौन था वो वो था आपका सात वाहन ओके okay, सोने की मुद्रा को हम लोग स्वर्ण के नाम से जानते हैं जो पैंतीस चांदी के करशापणों के बराबर थी ये करशापण चांदी के सिक्के हैं ध्यान रखना आप क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है ये शब्दावलियां आपको आने वाले समय में परेशान कर सकती हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ये शब्दावलियां परेशान करें ओके चलिए आगे आप देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक संगठन अब आइए अब आप सामाजिक संगठन किस प्रकार का समाज था तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर हम लोग अगर बात करते हैं ये सात वाहन जो हैं यहां की लोकल जनता थी ये लोकल जनता कबीलियाई प्रथा को ये फॉलो करते थे और आगे आने वाले समय में ये ब्राह्मण बन गए कौन बन गए ये ब्राह्मण बन गए कब जब ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई थी ऑब्वियसली आप जानते हैं ब्राह्मण कौन बनाए जाएंगे जो कि प्रशासन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते होंगे उन्हीं को ब्राह्मण बनाया जाएगा लेकिन जो सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोग होंगे वो तो शूद्र बना दिए जाएंगे तो पहले हमारे भारत देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी पहले के समय में हमारे भारत देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी लेकिन जैसे ही हमारे भारत देश में आर्य सभ्यता आती है आर्य सभ्यता के बाद हमारा पूरा भारत देश क्या है जातियों में वर्गों में डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पर ये जो लोकल र, लोकल लोग जो थे ये पहले कबीलियाई थे लेकिन आगे आने वाले समय में यहाँ पर भी क्या हो जाता है जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है और यहाँ के जो शासक होते हैं वो ब्राह्मण बन जाते हैं कहा जाता है कि ये जो ये जो सात वाहन थे ये जन्मजात ब्राह्मण नहीं थे जन्मजात ब्राह्मण नहीं थे कुछ लोग इसको क्षत्रिय मानते हैं कुछ लोग इनको व्यापारी मानते हैं लेकिन एग्जैक्टली हम लोग इनको बाद में यानी कि सात के समय पर जब इनकी स्थापना हुई थी तब हम हम लोग जानते हैं कि इन्होंने ब्राह्मण धर्म अपना लिया था और ऑब्वियसली ये ब्राह्मण ही थे ठीक है अब इनके जाति के बारे में इनके वंश के बारे में आपसे कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं ऐसे तो गुप्तों के बारे में बोलते हैं गुप्त जो थे वो गुप्ता थे गुप्ता क्षत्रिय नहीं थे गुप्ता मतलब बनिए थे ऐसा कहा जाता है कुछ लोग बोलते हैं गुप्त जो थे वो आपके ब्राह्मण थे कुछ लोग बोलते हैं गुप्त जो थे वो आपके क्षत्रिय थे लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसलिए आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है किसी भी जाति के हों किसी भी वर्ण के हों क्या फर्क पड़ता है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चतुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया आप समझ सकते हैं ब्राह्मण धर्म के प्रमुख सपोर्टर थे लेकिन अहिसष्णुण नहीं थे इन्होंने बौद्ध धर्म जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय को भी सपोर्ट किया लेकिन फिर से इन्होंने ब्राह्मण धर्म की स्थापना करी और ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के बाद इन्होंने फिर से जाति व्यवस्था को स्टार्ट किया इसके अलावा यहाँ ये जो थे वर्ण संकर व्यवस्था यानी कि वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को इन्होंने रोका कहने का मतलब ये है कि क्षत्रिय क्षत्रिय से शादी करेंगे ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करेंगे शूद्र शूद्र से शादी करेगा बनिए बनिए से शादी करेंगे क्लियर है तो इस प्रकार से इंटरकास्ट मैरिज जो पहले थोड़ी बहुत होती भी थी वो भी इसने बैन करवा दी इसने जाति की शुद्धता पर बल दिया इसने इसने कहा कि भाई अगर हम लोग किसी और वंश के साथ स्थापित करेंगे संबंध तो आगे आने वाले समय में जो नस्ल है वो थोड़ी सी प्रभावित हो जाएगी ये सबसे महत्वपूर्ण बात है चलिए आगे आप देखिए इस काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी कहा जाता है अच्छी थी लेकिन आप जानते हैं कि महिलाओं की दशा वैदिक काल से ही लगातार गिरती गई लेकिन महिलाओं यानी कि अपनी माता का नाम सबसे पहले लिखना इस बात का घोतक है ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी लेकिन हाँ सातवाहन के समय पर प्रशासनिक भूमिका निभाती थी महिलाएं लेकिन उच्च कुल की महिलाएं लेकिन निम्न कुल की महिलाएं और जो समाज में जो सामान्य महिलाएं थीं उनकी स्थिति आज भी दयनीय थी ठीक है कहा जाता है कि यहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी इस माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और कहा जाता है कि स्त्रियों को भी संपत्ति में अधिकार होता है आज बताओ आज 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 जो है महिलाओं का संपत्ति में अधिकार है क्या मेरे हिसाब से नहीं होगा है ना कहा जाता है कि भाई एक प्लॉट है इस प्लॉट को बड़े भाई और छोटे भाई में बांट दिया जाएगा महिला क्या है बेटी क्या है वो तो चली जाएगी कहां पर पराए घर पर कुछ कुछ घर में मिल जाते हैं अधिकार वो बात अलग है ठीक है चलिए यद्यपि राजाओं के नाम मात्र प्रधान थे किंतु सारत सात सामान्यतः सात राजकुल पितृतंत्रात्मक होता था क्योंकि तो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्री ही होता था तो आप समझ जाइए बस ये कहना कि भाई वहाँ पर सती प्रथा नहीं थी या फिर पर्दा प्रथा नहीं थी या फिर महिलाएं वहाँ पर पढ़ी लिखी थी इसके माध्यम से आप बोलो कि मात्र सत्तात्मक सत्ता थी तो ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि तो आपने देखा होगा कोई भी शासक वहाँ पर महिला नहीं थी सातकर्णी प्रथम का नाम आपने सुना होगा हाल का नाम सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम सुना होगा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का नाम सुना होगा तो आपको समझ में आ रहा है के सिर्फ और सिर्फ कहने योग्य मात्र सत्तात्मक सत्ता थी लेकिन यहाँ पर आज भी पितृसत्तात्मक साक्ष्य देखने को मिलते हैं सर अभी तो पिता के घर पर लड़कियों का भी समान अधिकार है लड़ अधिकार तो आपको मिल चुके हैं ना संविधान ने बहुत सारे अधिकार आपको दिए हैं लेकिन क्या वाकई में वो अधिकार आपको मिल रहे हैं क्या महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं दलितों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं लेकिन क्या आप मुझे बताओ महिलाएँ पूरे अधिकारों का इस्तेमाल कर रही हैं नहीं आज भी संसद में बैठे हुए लोग हमारी विधायिका में बैठे हुए लोग कौन हैं वो पुरुष हैं उनके मन में भी पितृसत्तात्मक सत्ता चलती रहती है उनका माइंड सेट अभी भी चेंज नहीं हुआ है हालांकि आप जानते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है लेकिन फिर भी पूर्णतः महिलाओं को अधिकार मिल चुके हैं या फिर पूर्णतः महिलाओं की भागीदारी आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में हो चुकी है ये बात हम लोग अभी भी नहीं कह सकते महिलाओं को और आगे बढ़ने की आवश्यकता है अभी भी आज भी ठीक है चलिए बहुत बढ़िया मात्र सत्तात्मक सत्ता ना ही पितृसत्तात्मक सत्ता, सत्ता होनी चाहिए सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए तो बराबर का अधिकार हमारा संविधान देता है ना लेकिन महिलाओं को भी भाई प्रयास करना पड़ेगा ना कभी कभी महिलाएं सोचती हैं कि ये तो हमारे किस्मत में लिखा हुआ है जैसे कभी कभी कुछ महिलाएं होती हैं उनको अपने अधिकार के बारे में मालूम नहीं होता है जब उनका जब उनकी शादी होती है जब उनका हस्बैंड उसको पीटता है मारता है तो भाई साहब वो क्या सोचती हैं यार ये तो परंपरा पहले से चलती हुई आ रही है तो हम लोग इसी को फॉलो करते हैं आपने घर में भी देखा होगा कुछ आसपास की महिलाओं को देखा होगा अपने परिवार में भी आपने देखा होगा है ना तो वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि नहीं यार महिलाओं का काम यही है घर में काम करना बच्चों को पालना ठीक है और पिटाई खाना ठीक है लेकिन कुछ महिलाएँ जो हैं पढ़ी लिखी हैं शिक्षित हैं अपने अधिकारों को समझती हैं उसके बाद जब भी कहीं वो ये सब देखती हैं तो विरोध करती हैं जहां पर विरोध होता है तो वहां पर संघर्ष की स्थिति पैदा होती है ठीक है तो बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही थी क्या कही थी कि सबसे बड़ा अधिकार सबसे बड़ा हथियार आपका क्या है सबसे बड़ा हथियार आपका है वो है शिक्षा तो इन्होंने कहा कि महिलाओं से और दलितों से आप अपनी सामाजिक स्थिति तभी ऊंची कर सकते हो जब आप शिक्षित हो आप मुझे बताओ कि अगर आप शिक्षित नहीं होते आप पढ़े लिखे नहीं होते तो आपको अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं होता अधिकारों के बारे में मालूम नहीं होता तो आपकी स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही होती ठीक है और आप ध्यान रखना मैंने आपको बताया था वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था तो आप समझ जाइए यानी कि महिलाओं को और शूद्रों को अशिक्षित रखा गया जानबूझ कर ये कानून बनाया गया कि कभी भी महिलाएं और जो आपके शूद्र हैं कभी भी अपने अधिकारों की बात ना कर सकें और बी आर अंबेडकर ने क्या कहा कि भाई अगर आपको अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो शिक्षित बनो शिक्षा के माध्यम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो और आज भी यह बात सही है ठीक है तो छोड़िए हम लोग अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं सात वाहन के टॉपिक पर अगर फालतू फालतू बात करनी होती तो बहुत सारी हम लोग बात कर सकते हैं हालाँकि आलतू फालतू बात नहीं है ये भी कहीं ना कहीं आपके इस्तेमाल हो ही जाएगी चलो छोड़िए हम लोग टॉपिक से ना भटके और वापस टॉपिक पर आते हैं देखिए राज पर, राज परिवार की जो महिलाएं हैं वो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, थी जबकि पुरुष वैदिक धर्म को क्लियर है तो आप समझ जाइए इस बात को कि महिलाओं को वहाँ पर थोड़े बहुत अधिकार दिए गए थे यानी कि सात जो लोग हैं ना वो वैदिक सॉरी सात जो लोग हैं ना सात वंश के जो आपके राजा हैं वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे है ना ऐसा नहीं कि वो केवल और केवल वैदिक धर्म को ही सपोर्ट कर रहे हैं और बौद्ध धर्म के लोगों को मार रहे हैं जैसे कि पुष्यमित्र सुंग ने किया था ऐसा नहीं है वो बौद्ध धर्म को भी जैन धर्म को भी और वैदिक धर्म को तीनों को बराबर महत्व दिया करते थे और इसी प्रकार से आपको इस कथन के बारे में इस कथन के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये धार्मिक सहिष्णु थे सातवाहन के जो शासक थे उन्होंने ब्राह्मणों को भी दान दिया उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी दान दिया इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जो गांव हैं वो इनको दिए कि भाई आप अपना खर्चा पानी इस गांव के रेवेन्यू से चलाना और आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है नेक्स्ट आपकी आती है धार्मिक व्यवस्था सात वाहन के समय पर किस प्रकार का धर्म प्रचलित था किस प्रकार के राजा किस प्रकार की परंपरा को निभाते थे उसका आप उसको हम लोग पढ़ेंगे तो आपको मैंने बताया था कि सभी नागरिक धार्मिक सहिचूण थे यानी कि ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म के लोग हैं वो वैदिक धर्म के लोगों को मारेंगे कूटेंगे वैदिक धर्म के लोग हैं वो बौद्ध धर्म के लोगों को मारेंगे पीटेंगे आपने आज देखा होगा ना आज हमारे भारत देश में कितनी सांप्रदायिकता है मुस्लिम लोगों और हिंदू लोगों में कितना संघर्ष आपको देखने को मिलता है छोटी मोटी बात पर सड़क पर रैली निकल रही होगी तो भाई साहब इस रैली पहले मैं जाऊंगा पहले मैं जाऊंगा इसी बात पर लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर दंगे स्टार्ट हो जाते हैं ओके okay, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आम जनता है उस वो भी काफ़ी धार्मिक रूप से सहिष्णु थी ठीक है हाल की गाथा ये हाल कौन है ये हाल एक शासक है मैंने आपको बताया था ना शासक है जो कि पुत्र पुलवामी के पहले है ना नहीं गौतमी पुत्र सातकर्णी के पहले का शासक था तो हाल की गाथा शतब् सप्त के प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है ना इसके अलावा आप देख सकते हैं इंद्र कृष्ण पशुपति और गौरी की पूजा भी इसमें उल्लेख देखने को मिलती है कहने का मतलब यहाँ के जो शासक हैं वो वैदिक धर्म को काफ़ी मानते थे ठीक है चलिए इसके अलावा आप जानते हैं एक बात और मैंने आपको बताई थी गौतमीपुत्र सातकर्णी है इस गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया ब्राह्मण धर्म का इसके अलावा सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तदात्म्य स्थापित करने लगे है ना यानी कि अपना संबंध बताने लगे होता नहीं है बहुत सारे क्षत्रिय वंश के लोग हैं बहुत सारे राजपूत लोग हैं ठाकुर लोग हैं वो अपने आप को बोलते हैं मैं चंद्रवंशी हूँ मैं नागवंशी हूँ मैं सूर्यवंशी हूँ बोलता होंगे बोलते हैं ना वो तो कहने का मतलब अपनी प्रतिष्ठा वो स्थापित करना चाहते हैं कहने का मतलब यह है कि आम जनता से क्षत्रिय लोग बिल्कुल अलग है जब आम जनता से अलग है तो ऑब्वियसली शासन का अधिकार किसका हुआ क्षत्रिय लोगों का हुआ तो कहने का मतलब यह है कि आम जनता उनके शासन को कानून को उनकी कही गई बातों को माने इसीलिए उन्होंने ये सब कंसेप्ट रखा सात वाहन काल से ही स्टार्ट होता है उससे पहले आपको चंद्रवंशी नागवंशी ये सब वंशी आपको देखने को नहीं मिलेंगे ये वंशी वंशी ने आपको बाद में देखने को मिलेंगे ठीक है और यहाँ पर कोई राजपूत राजपूत भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं यहीं से जो है आपके राजपूत निकलते हैं बाद में मैं बताऊंगा आपको कहाँ से निकलना स्टार्ट होते हैं ठीक है ना तो ये सब तो आलतू फालतू की बातें हैं ये वंशी वो वंशी ठीक है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण का बलराम और संकर्षण का रूप का रूप स्वीकार किया देखिए आप किस प्रकार से में स्थापित कर दिया भगवान के साथ कि भैया हम लोग जो हैं भगवान का रूप है अब आपको मानना पड़ेगा हमारे शासन को अब हम लोगों ने जो भी कानून बनाए हैं वो आपको मानने ही पड़ेंगे अब जनता है बेचारी धार्मिक रूप से कैसी होती है बड़ी वो होती है उदार होती है कि भाई भगवान की संज्ञा जहाँ पर दे दी जाएगी तो वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेंगे भगवान के मामले में कोई तर्क वितर्क नहीं करता है भगवान के प्रति आस्था होती है जहाँ आस्था होती है वहाँ पर तर्क वितर्क नहीं होते हैं जहाँ तर्क वितर्क होते हैं वहाँ आस्था नहीं होती है आस्था और तर्क वितर्क एक दूसरे के विरोधी होते हैं ये तो आप समझना ठीक है चलिए अब आगे आने वाले समय में आप देखना बलवन हुआ अकबर हुआ खिलजी हुआ ये सारे के सारे जो लोग हैं ना ये देवी देवित्व का सिद्धांत अपनाएंगे ये बोलेंगे कि हम लोग जो हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं और आपका आपके ऊपर शासन करने का आदेश जो है ना वो भगवान ने हमें दिया है और जनता इसको मान भी लेगी ठीक है ना तो कुल मिलाकर बलवन हुआ चाहे राजपूत हुए चाहे ब्राह्मण धर्म के कोई भी आपके सम्राट हुए ये सारे के सारे जो हैं अपने आप को क्या बताते हैं ये भगवान का प्रतिनिधि जिससे कि जनता इनके जनता इनके कानून को इनके शासन को माने क्लियर है चलिए सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि कौन सी थी ब्राह्मी थी लिपि का मतलब जिसमें लिखावट हम लोग करते हैं ना लिखावट थी ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा यहाँ के लोग बोलते थे सात वाहनों की जो महत्वपूर्ण स्थापित कला है वो है कारले का चैत्य क्या है कारले का चैत्य और अमरावती स्तूप कला अमरावती स्तूप कला और कारले का चैत्य ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप ध्यान रखना अमरावती का, का, का स्तूप काफ़ी महत्वपूर्ण है अमरावती स्तूप संसार का सबसे बड़ा स्तूप था लेकिन बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे भारत देश में आए और अमरावती स्तूप की तोड़फोड़ कर दी सांची का स्तूप तो बचा रह गया ठीक है सांची का स्तूप तो बचा रह गया और आज भी सांची के स्तूप को हम लोग उसी अवस्था में देख सकते हैं जिस अवस्था में उसका निर्माण किया गया था लेकिन अमरावती का स्तूप काफ़ी टूट फूट हो गया है मतलब अवशेष आपको देखने को मिलेंगे अमरावती का अगर अमरावती का स्तूप अपनी मूल अवस्था में होता तो संसार का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर स्तूप होता और बौद्ध धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलती हैं ठीक है चलिए इसके बाद देशी वंश में एक सबसे लास्ट वंश आता है यह है चेदी महामेघ वाहन वंश तो हम लोगों ने सबसे पहले किसकी बात करी शुंग वंश की बात करी उसके बाद हम लोगों ने कण्व वंश की बात करी उसके बाद हम लोगों ने सात वाहन वंश की बात करी ठीक है इसके बाद आता है आपका चेदी वंश और महा वंश यहाँ पर आपके लोकल राजा हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडो ग्रीक यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंद यवन ठीक है तो देसी शासक आपके खत्म हो गए उसके बाद हम लोग विदेशी शासक की बात करेंगे आप समय समय पर आपने देखा होगा ये विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत देश पर आक्रमण करते रहते हैं ठीक है तो आप समझ जाइए चेदी वंश कहाँ के हैं ये ये हैं आपके कलिंग के राजा खारवेल का नाम तो सुना होगा और खारवेल ने हराया था किसको याद कीजिए पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी को खारवेल ने दो बार हराया था ठीक है हारवेल उस समय पर मौर्य यानी कि मगध साम्राज्य से अलग हो चुका था और पुष्यमित्र सुंग चाहता था कि भाई खारवेल से कलिंग वापस ले लिया जाए लेकिन खारवेल काफ़ी मजबूत शासक था और इसने हरा दिया पुष्यमित्र सुंग को यहीं से किरकिरी होना स्टार्ट हो जाती है पुष्यमित्र सुंग की इसी प्रकार से एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख है हाथी गुंफा अभिलेख हाथी गुंफा अभिलेख के माध्यम से खारवेल के शासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कईयों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है यह जो हाथी गुंफा अभिलेख है किससे संबंधित है तो वह है आपका खारवेल से संबंधित लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का यह अभिलेख है ठीक है ओके okay. इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस वंश की स्थापना महामेघ वाहन नामक व्यक्ति ने किसी की, की थी किसने की थी महामेघ नामक व्यक्ति ने की थी ओके okay. चलो ठीक है ये बात तो हमें मालूम चल गई है कलिंग वंश के बारे में हार्वेल जो था चेरी वंश का एक सबसे महानतम शासक था और इसी ने ही किसको हराया समझ जाइए आप पुष्यमित्र सु को इसके अलावा वह जैन धर्म का सबसे बड़ा अनुयाई था और उसने जैन तीर्थंकर थे आपके ऋषभ देव इसकी मूर्ति को मगध से लाने में यह सफल हुआ मगध से लाने के बाद इसने कलिंग में यानी कि उड़ीसा में इसने स्थापित कर दी यही तो इसकी प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा कारण बना कलिंग में इसकी बहुत वाह वाह हुई मगध को हराना एक बहुत बड़ी बात थी उस समय पर तो महापदम नंद कलिंग से ठीक है कुल मिलाकर ये चलो छोड़ो इस सब बातों को हाथी गुंफा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान देने का क्या उल्लेख मिलता है ऑब्वियसली जब ये चेदी वंश के शासक थे जैन धर्म के अनुयायी थे तो ऑब्वियसली ये दान दक्षिणा तो देंगे ही देंगे इसके अलावा आप ध्यान रखना यहाँ पर इस अभिलेख में यानी कि जो हाथी गुंफा अभिलेख है हाथी गुंफा अभिलेख में तीन वंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है तीन वंश कौन कौन से हैं दक्षिण राज्य के ये हैं आपके चोल ये हैं आपके चेर और ये हैं आपके पांडे तो चोल चेर पांडे के बारे में हमें जानकारी मिलती है हाथी गुंफा अभिलेख के माध्यम से आगे आने वाले समय में ये चोल डायनेस्टी को हम लोग पढ़ेंगे ये चोल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक बात और ध्यान रखना हारवेल ने बहुत सारे गुहा विहार बनाए गुहा का मतलब आप जानते हैं ना पहाड़ों को काट कर उसमें गुफा बना दी जाती है और उन गुफाओं को दान में दिया जाता है जैन संतों को और बौद्ध संतों को इसके अलावा आजीविक संप्रदाय के संतों को भी गुहा विहार में गुहा विहार जो है दान में दिए जाते हैं ओके okay, साक्ष्यों से मालूम चलता है कि उदयगिरी में उन्नीसवीं और खंडगिरी में सोलह गुफा विहारों का निर्माण हुआ था तो उदयगिरी और खंडगिरि में जो गुफाओं का निर्माण करवाया था गुफा विहारों का निर्माण करवाया था जैसे हम लोग गुहा विहार के नाम से भी जानते हैं वो किसने करवाया था वो करवाया था हारवेल ने ठीक है इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना एक महाविजय प्रसाद है ठीक है महाप्रस महाविजय प्रसाद जो है एक प्रकार का भव्य भवन है जिसका निर्माण करवाया था हारवेल ने अपनी विजय अभियान के बाद ओके चलिए तो यहाँ पर आपके देसी शासक जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और 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 ये क्या हो गया इसको वापस कैसे लेके आएंगे हम हाँ देखिए कहाँ पर थे हम लोग विदेशी फिफ्टी नाइन स्लाइड पर थे देखिए मेरी बात सुनिए यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे थे फर्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाते हैं ये मैंने आपसे यहाँ पर बात की थी देखिए ये कैसे वापस जाएगा डिस्प्ले सेटिंग टास्क बार डिस्प्ले सेटिंग देखिए इसमें सुन लीजिए देख लीजिए आपको दिख भी रहा होगा मेरे हिसाब से देखो देसी शासक की सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी पहला आपका आता है वंश दूसरा आपका आता है कणव वंश तीसरा आता है आपका सातवाहन और चौथा है आपका वंश और यहाँ पर ये सभी देसी शासक हम लोगों ने कर लिए हैं अब हम लोग बात करेंगे किसकी विदेशी शासक के बारे में ठीक है विदेशी शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चलिए तो हम लोग बात करते हैं विदेशी शासक के बारे में कौन कौन से विदेशी शासक हैं आपके तो हम लोग बात करेंगे विदेशी शासक एक मिनट सात वाहन आ गए तो सात वाहन तो हम लोगों ने पढ़ लिए विदेशी शासक विदेशी शासक आ जाओ आ जाओ ये हैं आपके विदेशी शासक ठीक है चलिए तो 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 विदेशी शासक में सबसे पहले आपके आएंगे कौन से इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन हिंद यवन की हम लोग बात करेंगे ठीक है और आप सभी लोग जानते हैं कि हिंद यवन के बाद कौन आएंगे हिंद यमन के बाद हमारे भारत देश में शक पार्थियन कुषाण वंश और शक भी बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाते हैं और हमारे भारत देश के बहुत सारे राज्य क्षेत्र पर ये शासन स्थापित करते हैं इसके अलावा कुषाण कुषाण के बारे में आपने सुना होगा कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा और जो गुर्जर है ना गुर्जर जाति हमारे भारत देश में पाई जाती है कहते हैं कनिष्क के ये वो हैं उत्तराधिकारी अब हैं या फिर नहीं है पता नहीं है मुझे ठीक है चलिए एक्जैक्टली हम लोग तो नहीं बोल सकते बस इतिहास तो यही बोलता है ओके okay? चलिए तो हम लोग पढ़ें देखो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे विदेशी शासकों में हम लोग इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग शक के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पार्थिन के बारे में इसके बाद हम लोग कुषाण के बारे में है ना विदेशी शासक हम लोग खत्म करके आ चुके हैं सुंग वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कण्व वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और सात वाहन वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है तो तैयार हो आप सभी लोग सुपरमैन जरा सा थोड़ा ध्यान दो ये बेबी बेबी कर रहे हो ना किसी दिन तुम भी बेबी बन जाओगे अच्छी तरीके से मजदूरी वाला काम मिलेगा तुम्हें तो टमाटर धनिया मिर्ची बेचोगे तुम ठीक है पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो थोड़ा सा टाइम मिलाया है आपको हैं इस तरह से वाहियात बातें तो कम से कम से कम मत करो क्यों अपने माँ बाप का पैसा जो है वो ख़राब कर रहे हो हु? माँ बाप के पैसों से मोबाइल लेते हो इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो उनके पैसों का गलत यूज़ करते हो कभी दो पैसे कमा कर देखो हालत ख़राब हो जाएगी किस प्रकार से भरी दोपहरी में जब आप घर पर सोते रहते हो कूलर की हवा में तब तो वो दोपहरी में पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं जिस दिन खुद बाप बनोगे ना उस दिन समझ में आएगा समझ में आया मैं सुपरमैन से ही नहीं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर बकवास करने के लिए आते हैं सिर्फ और सिर्फ ठीक है थोड़ा तो ध्यान दो यार ये सब चीज़ों पर आप स्टूडेंट हो वो भी यूपीएससी के स्टूडेंट हो आपसे ऐसी आशा हम लोग नहीं कर सकते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी समझदार लोग होते हैं बाकी टेक्निकल बंदे होते हैं मैनेजमेंट वाले बीटेक टेक बी वाले उनका तो हम लोग एक बार देख भी सकते हैं कि हाँ कुछ इस प्रकार का माहौल रहा होगा लेकिन आप लोग तो समझदार हो तब भी आप लोग ऐसी बातें करते हो नाम ख़राब कर रखा है तुम लोगों ने तो अभी तो मेरे सामने कमेंट बॉक्स चल रहा है सबके कमेंट पर ध्यान ध्यान रहता है मैं चाहता नहीं हूँ फालतू तो में तुमसे बहस करूँ और बहस करने के बाद फालतू तो में अपना टाइम वेस्ट करूँ ठीक है ना अब पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं ऑब्वियसली चलिए अब आ... चलिए मेरी बात सुनिए अब छोड़िए मैं फालतू में इन बातों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं अब आगे आपको पढ़ाता हूँ विदेशी शासक और विदेशी शासक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडो ग्रीक हिंद यवन के बारे में तो देखिए मेरी बात सुनिए हम लोग बात कर रहे हैं इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन के बारे में तो मौर्योत्तर काल में भारत के एक मिनट को यहाँ पर अपना पेन कहाँ गया हाईलाइट रह गया तो मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर लगातार हमले होते गए और पहला आक्रमण हिंद यूनानी या फिर बैक्टीरियाई यूनानी के द्वारा किया गया देखो मैंने आपसे कहा था हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना नहीं की थी उसके पहले भी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी हुए थे और जब महा नहीं सॉरी जब नंद वंश का शासक था धनानंद और उस समय पर सिकंदर हमारे भारत देश पर आक्रमण कर रहा था सिंध नदी को वो पार कर चुका था रावी नदी के पास आ चुका था तब चाणक्य ने बोला था कि भाई साहब आप थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर ध्यान दो धनानंद ने किस प्रकार से चोटी पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया फिर उसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और एक अखंड भारत के निर्माण करते हैं और हमारे भारत देश में केंद्रीय सत्ता का निर्माण होता है फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एक लंबे समय तक यानी कि जब तक मौर्य साम्राज्य का शासन रहता है तब तक हमारे भारत देश में कोई भी म, कोई भी बाहरी आक्रमणकारी नहीं आते हैं लेकिन जब मौर्य वंश का शासन समाप्त हो जाता है मौर्य वंश का पतंग हो जाता है और हमारा पूरा भारत देश छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है आपने आपने, आपने आपको मैंने अभी पढ़ा है देखो शक कुषाण शक सॉरी शक, शक कहाँ से आ गया इसमें देशी में सात वाहन की हम लोगों ने बात करी थी हम लोगों ने सुंग वंश की बात की थी हम लोगों ने कण्व वंश की बात की थी तो किस प्रकार से हमारा पूरा भारत देश जो है छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाता है तो इसी का फायदा उठाते हुए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे भारत देश पर आक्रमण करते हैं फिर से यानी कि मौर्य वंश के पहले भी विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत देश में आ रहे थे मौर्य वंश के बाद भी विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत देश में आएंगे तो आपको एक बात तो समझ में आई होगी जब जब भी हमारे भारत देश में केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई है तब तब हमारा भारत देश एक एक सुरक्षित भारत देश रहा है जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता की समाप्ति हुई है तो हमारा भारत देश बहुत सारे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है देखो चाहे मुगल आए हो चाहे हमारे भारत देश में ये गुलाम वंश ने स्थापना करी हो चाहे हमारे भारत देश में यूनानी लोगों ने शासन स्थापित किया हो आपको एक बात तो समझ में आई होगी क्या तब तब जब जब हमारे भारत देश में विदेशी आक्रमणकारी आए हैं आक्रमण किया है तब तब हमारा भारत देश छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड था ठीक है चलिए तो मौर्य वंश का पतन हो जाता है और मौर्य वंश के बाद हमारा भारत देश छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उत्तर पश्चिमी सीमा जो है काफ़ी संवेदनशील हो जाती है अब इंडो ग्रीक के लिए शक के लिए कुषाण के लिए हमारे भारत देश का रास्ता साफ था हमारे भारत देश के पास उस समय पर काफ़ी पैसा था तो सबसे पहले हमारे भारत देश पर आते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वो हैं इंडो ग्रीक जिसे हम लोग हिंद यवन के नाम से जानते हैं इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले किए और यहाँ पर आप ध्यान रखना यहाँ पर अपने शासन की स्थापना करी इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास यूथीडेमस एक नाम है इसका नाम ध्यान रखना यूथीडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही प्रारंभ होता है डेमेट्रियस प्रथम अभी इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से लोग आते हैं हिंदू यूनानी में तो डेमेट्रियस प्रथम के बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही भारत की विजय स्टार्ट हो जाती है अब देखिए हम लोग बात करते हैं डेमेट्रियस प्रथम के बारे में तो ये डेमेट्रियस प्रथम क्या करता है भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को ही जानता है यानी कि इंडो ग्रीक शासन की स्थापना सबसे पहले किसने की थी ये है आपका डेमेट्रियस प्रथम इसके बाद क्या होता है इसके बाद एक ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भागों को जीतकर साकल जिसे हम लोग श्यालकोट के नाम से जानते हैं इसको अपनी राजधानी बना लेता है कहने का मतलब ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है वहाँ पर एक ईसा पूर्व में किसका अधिकार हो जाता है डेमेट्रियस प्रथम का डेमेट्रियस प्रथम का अधिकार हो जाता है ओके अब आप देखिए डेमेट्रियस प्रथम यानी कि हिंद यवन का आगमन हमारे भारत देश में हो गया ठीक है अब इन्हीं को देखते देखते हमारे भारत देश में शक भी आएंगे कुषाण भी आएंगे और पहलव भी आएंगे किस प्रकार से जब एक एंट्री मारता है तो मधुमक्खियों की तरह और भी जनजातियां हमारे भारत देश में आएंगी क्योंकि वो ये सोचते हैं जब हिंद यूनानी शासक स्थापना कर सकते हैं जीत सकते हैं भारत के राज्यों को तो हम भी जीत सकते हैं कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया अब देखना एक ईसा पूर्व आते आते क्या होता है कहाँ गया हाँ ये तो हम लोगों ने हम लोगों ने पढ़ लिया था एक सौ तिरासी ईसा पूर्व आते आते लगभग पूरे पंजाब को ये जीत लेता है इसके बाद डेमेस्ट्रियस प्रथम जो है वो राजा की उपाधि धारण कर लेता है और यूनानी और खरोस्टी दोनों लिपियों में सिक्के चलवाता है तो हमारे भारत देश के जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है वहाँ पर बहुत सारे खरोस्टी और यूनानी सिक्के हमें देखने को मिलते हैं जो लगभग एक सौ तिरासी ईसा पूर्व के हैं जिसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर किसका शासन था उस समय पर हिंद यूनानी शासक का शासन था ये आप देख सकते हैं ये इतना क्षेत्र इन लोगों ने हमारे भारत देश में जीत लिया था ये मैप के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कहाँ कहाँ तक ये आ चुके थे हमारे भारत देश में ठीक है ये वाला भारत ये वाला जो क्षेत्र है ना आपका ये पश्चिमी वाला पूर्वी वाला क्षेत्र यहाँ पर लगातार जो है संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती थी लेकिन हाँ ये जो आपका सिंधु सतलज व्यास रावी झेलम यहाँ पर इनका स्थायी शासन था यहाँ पर खतरा नहीं था इनको तो देखिए कितना बड़ा राज्य इनके हाथों में चला गया हिंदू यूनानी शासकों के पास इसके बाद डेमेट्रियस के बाद यूके ट्राइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया तक्षशिला जो कि मौर्य वंश के समय पर शिक्षा का केंद्र होती थी अब वहां पर हिंदू यूनानी शासकों ने अपना कब्जा कर लिया था अब आगे आप देखिए आगे क्या होता है आगे बैक्टीरिया में यवनों का अंतिम शासक कौन था यह था आपका हेलियो कौन था आपका हेलियोक्लेस लगभग 125 ईसा पूर्व के लगभग बैक्टीरिया से यवन शासक समाप्त हो गया 125 ईसा पूर्व के समय पर लगभग समाप्त हो गया यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 साल तक इनका शासन रहता है और इनका शासन 50 साल के बाद खत्म हो जाता है फिर कौन आते हैं यहाँ पर धीरे धीरे जो है शकों का आगमन स्टार्ट हो जाता है जो क्षेत्र किसके थे जो क्षेत्र थे आपके हिंद यूनानी शासकों के अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है सकों का राज्य स्थापित होना सब कौन थे ये भी मध्य एशिया की एक जनजाति थे ये भी एक प्रकार के खाना बदोश थे ये भी हमारे भारत देश में क्या आए थे धन को लूटने के लिए आए थे ऑब्वियसली गरीब इंसान थे इनको कोई मतलब नहीं था शासन में लेकिन जब हमारे भारत देश में आए तब इन्होंने देखा कि हमारे भारत देश में लूटपाट करने से अच्छा ये है कि हम यहाँ पर शासन करें शासन करने से क्या होगा हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सकेंगे ठीक है वैसे ये लोग खाना बदस्ते एक मिनाडर के बारे में आपने सुना होगा मिनाडर के बारे में भी आप सुन लो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आदमी है ठीक है इसके बारे में एक स्टोरी बहुत फेमस है मिलिंद आपने सुना होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये मिनाडर था ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था हिंद यूनानी शासकों में और कुल मिलाकर आप जानते हैं ये डेमिट्रियस प्रथम था उसी का वंशज होगा ओके मिनाडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है ठीक है ना जैसे कि मान लीजिए होता नहीं है कि आ, जैसे कि हरि प्रताप है वो यूरोप में जाके जो है हैरी बन जाता है उसी प्रकार से मिलान्डर नाम है हमारे भारत देश में मिलिंद बन जाता है वो ठीक है ना देखे होंगे आपने बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो पुराने नाम होते हैं हमारे भारत देश में जब विदेश में जाते हैं तो इनका नाम चेंज हो जाता है तो मिनांडर जो है बौद्ध साहित्य में इसका नाम जो है मिलिंद कहा गया है और ये बौद्ध अनुयायी था पहले बौद्ध अनुयायी नहीं था ये पहले ये कट्टर कौन था ये यूनानी धर्म को मानता था है ना लेकिन जब इसकी मुलाकात नागसेन के साथ होती है और नागसेन के बारे में इसने बहुत सुना होता है कि नागसेन जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान है इसके साथ वाद विवाद करना बहुत ही मुश्किल है और इसके साथ जो भी वाद विवाद करता है वो हार जाता है ये मिनांडर था ये भी दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी इनको इसको जानकारी थी जहाँ जहाँ भी जाता छोटे मोटे जो आपके संत वगैरह होते हैं उनको दर्शन शास्त्र में हरा देता और ये छोटे मोटे संत जो हैं ये वापस जो यूनान का धर्म होता था उसको अपना लिया करते थे एक दिन नागसेन आया इसने कहा कि भाई साहब अब नागसेन हमारे क्षेत्र में आया है तो हम लोग इससे भी वाद विवाद करते हैं देखते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है नागसेन से जब ये मिलने जाता है नागसेन से मिलता है उसकी दशा को देखता है कि भाई पुराने फटे टूटे कपड़े पहन रखे हैं चप्पल भी नहीं है इसके उसमें तो मिनांडर सोचता है कि भाई इससे क्या वाद विवाद करूँगा मैं लगता नहीं है मुझे कि ये वाद विवाद करने लायक है ठीक है अब संत जो होते हैं उनको क्या जरूरत होती है वो उनको कोई जरूरत है ही नहीं है सीधी सी बात यह है तो नागसेन की परीक्षा लेता है कि क्या वाकई में ये वाद विवाद करने लायक है या फिर नहीं है ठीक है तो बोलता है कि बताइए नागसेन बोलता है कि बता दिया यहां से समझ में आ जाता है मीनाडर को कि भाई एक लेवल का इंसान है अब देखो आपको समझ में नहीं आएगी ये दर्शन शास्त्र की बातें ठीक है ना और इसमें बताऊंगा अभी नहीं कि आगे क्या डिस्कशन हुआ अंत तक तो क्या होता है नागसेन और मिना के बीच में क्या है वाद विवाद होता है और वाद विवाद के बाद नागसेन की जीत होती है और नागसेन की जीत होने के बाद मिनाडर जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता ऐसा ही होता था पहले जैसे कि बौद्ध धर्म और मान लीजिए यहूदी धर्म है दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा है अगर मान लीजिए बौद्ध धर्म के संत की जीत हो गई तो ये जो आपका यूनानी धर्म का जो आपका दार्शनिक है ये बौद्ध धर्म अपना लेगा इसी प्रकार से मिनाडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया ठीक है चलिए तो यहां पर यह बात हो गई मिनाडर के बारे में अब एक और आपका जो है ध्यान रखना एक और है आपकी मिनाडर के बारे में आ, उसकी राजधानी क्या थी साकल आप जानते हैं साकल जो थी वो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र थी यहाँ पर शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था आप जानते हैं वैसे भी इन लोगों ने जो तक्षशिला है उसको अपनी राजधानी बनाया था मिनाडर के सिक्कों पर धर्मचक्र अंकित मिलता है आपको धर्मचक्र और आप समझ जाइए धर्मचक्र का मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित है अच्छा आप मुझे ये बताओ धर्मचक्र का मतलब क्या होता है धर्मचक्र का मतलब क्या होता है मैंने आपको बहुत सारे संकेत बताए थे ना क्या बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था या फिर बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति का ये संकेत है या फिर बुद्ध को पहली बार जब शिक्ष जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका प्रतीक है ये आपको बताना है तो धर्मचक्र का अंकन देखने को मिलता है मिनाडर के सिक्के से इसका मतलब ये है कि मिनाडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था ये एक पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए ध्यान रखना ये पहला एक शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए वैष्णवी क्या बोल रही है मुझे समझ में नहीं आया आपका चांदी के सिक्कों के लिए द्रम और यूनानी भाषा से ही लिया गया था ठीक है ना द्रम आपने सुना होगा दिरम द्रम तो ये यूनानी भाषा से ही हम लोगों ने लिया था तो ये कुछ बातें हैं आपकी मिनाडर के बारे में एक नोट है वो आप ध्यान रखना यूक्रेटाइज वंश के सबसे प्रतापी शासकों में एंतियालिस की डस कैसे कैसे नाम है यार रमेश सुरेश सुमित ऐसे नाम रख लेते यार तो सही रहता पढ़ने में आसानी होती क्या फ़र्क पड़ता है तो ये आपके नाम है हैरियोडोरस को सुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा गया था जिसने विदिशा में करुड़ स्तंभ की स्थापना की थी ये भागभद्र जो था अब याद है आपको इसी ने भागवत धर्म को काफ़ी रिवाइव किया था ठीक है चलिए तो ये तो हो गया आपका मिनाडर के बारे में एक और है इसका हर्मियस यूके टाइडस ये हर्मियस यूके टाइडस था ये यूनानी शासक में सबसे अंतिम शासक था इसकी मृत्यु हुई इसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में यवनों का लगभग 200 वर्षों तक शासन जो था वो समाप्त हो जाता है यानी कि 200 वर्षों तक ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शासन करते हैं इसके बाद इनका पूर्णतः शासन समाप्त हो जाता है ठीक है देखो ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं है कि पी डी से मिलेगी तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये आपको ग्रुप दे रखा है भूपेंद्र सिंह दिनकर इसको आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ डी सारे क्लास के सेशन और भी हमारे जो सहयोगी हैं चंचल कुमार शर्मा सर और जो अभय सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनकी लिंक आपको मिल जाएगी पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगी ठीक है ना ये है नीचे इसके नीचे यूपीएससी डिस्कशन ग्रुप इसमें आप प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और ये है जीएस पेपर आंसर राइटिंग ग्रुप यहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग आप अपलोड कर सकते हो इसी का स्क्रीनशॉट आप ले लो इसी नाम से आप सर्च करना आपको मिल जाएगा ठीक है ना लगभग यहाँ पर बारह सब्सक्राइबर हैं आप बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप जानकारी ले सकते हैं अन अकेडमी के आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में ये बी एस लाइव कोड अपना कोड है अगर आपको मुझे से जुड़ना है तो बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप जुड़ सकते हैं अभी फ़िलहाल 35 परसेंट का ऑफ़र चल रहा है फ़ीस में भारी भरकम छूट आपको मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप अनकेडमी का आइकॉनिक हो या फिर प्लस हो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये बी एस लाइव कोड हर जगह काम में आएगा आपको आप चाहे कॉम्बैट यूज़ करें कॉम्बेट का कॉम्बेट को ज्वाइन करें या फिर आप जो है टेस्ट को ज्वाइन करें हर जगह आपको ये है सहायता देगा और बी एस लाइव कोड का यूज़ करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अलग से नंबर दिया जाएगा वो नंबर मेरा खुद का पर्सनल नंबर होगा और मैं ही आपसे बात करूंगा आप अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम से बात कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर नंबर दे रखा है ठीक है चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आ, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया है चलो ठीक है अब इसके बाद यूनानी जब यूनानी हमारे भारत देश में आए थे और यूनानियों ने लगभग उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर 200 वर्षों तक शासन किया था तो उन्होंने है ना क्या प्रभाव डाला हमारे भारत देश की सभ्यता पर तो हम लोग इसी की बात करेंगे यूनानियों का भारत में आगमन हुआ तो यूनानियों ने किस प्रकार से हमारे भारत देश की संस्कृति को प्रभावित किया देखिए पहली बात तो ये आप समझ आपको समझ में आ गया होगा इन्होंने राजत्व का देवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया अब आगे आने वाले समय में हमारे भारत देश में शासक आएंगे और क्या बोलेंगे हम लोग विष्णु भगवान के वंशक हैं हम लोग कृष्ण भगवान के वंशक हैं हम लोग इस भगवान के वंशज हैं हम लोग चंद्रवंशी हैं हम लोग सूर्यवंशी हैं हम लोग नागवंशी हैं तो समझ जाइए यूनानी शासकों ने जो अपनी जो राजत्व का देवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था उनके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि आम जनता उनके शासन को माने जब हमारे भारत देश में ये लोग आए तो हमारे भारत देश के लोकल राजाओं ने भी अपने आप को देवताओं का देवताओं के कुल को देवताओं के कुल का मानना स्टार्ट किया कि हम लोग इस कुल के हैं हम लोग इस कुल के हैं हमारे इष्ट देवी हैं देखा होगा ना उससे पहले आपको ये समझ में और ये कभी भी आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि मौर्य वंश का शासक जो है वो इस वंश का है चंद्रवंशी है ये वंशी है वो वंशी है हालांकि बाद के जो आपके इतिहासकार हैं उन्होंने मौर्य साम्राज्य को भी किसी न किसी वंश से जोड़ दिया वो बात अलग है तो कहने का मतलब यह है कि आम जनता से अलग और अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा दिखाने के लिए और अपने कानून और नियमों को लागू करवाने के लिए राजाओं ने यूनानी शासकों की तरह राजत्व का दिव्य सिद्धांत लागू किया आगे आने वाले समय कुषाण गुप्त पल्लव वंश के शासक और भी आपके जो हैं सल्तनत काल के जो सुल्तान आएंगे वो जिसमें बलवन का नाम आप सुना होगा ऐसे बहुत सारे राजा आएंगे जो इस प्रकार के सिद्धांत को अपनाएंगे क्यों अपनाएंगे ठीक है समझ में आ गया हाँ साँचों से सिक्का हाँ साँचों से सिक्का निर्माण की विधि जो है ये इन्हीं की देन है साँचे बनाए जाते थे, थे, थे पहले और साँचों में ढालकर जो है सिक्के इससे पहले तो आप जानते कि पहले आहत मुद्रा चलती थी ठोक पीटकर जो है मुद्राओं को बनाया जाता था लेकिन पहली बार यूनानी आए हमारे भारत देश में और हमारे भारत देश में सांचों में वाले सिक्कों का निर्माण स्टार्ट हुआ मुद्राओं पर राजाओं के नाम पहले अंकित नहीं हुआ करते थे लेकिन अब जो भी राजा आएगा वो अपने सिक्के पर अपना नाम लिखवाएगा ठीक है ना इसी प्रकार से राजा के चित्र और इसी प्रकार से कब से कब तक इन्होंने शासन किया ये चित्र में अंकित देखने को आपको मिलता है कुछ इस प्रकार के चित्र आपको देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ पर ये लोकल राजा नहीं है ये कोई यूनानी शासक है आपका इसी अला इसके अलावा यहाँ पर देखना कालगणना संवत का प्रयोग सप्ताह के सात दिन बारह राशियाँ और कैलेंडर वर्ष ये सारे के सारे जो हैं हम लोगों ने कहाँ से सीखे यूनानी शासकों से इसके अलावा आप ध्यान रखना कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में यानी कि स्थापत्य के क्षेत्र में एक शैली का विकास हुआ इसको हम लोग जानते हैं हेलेनिस्टिक कला अब ये हेलेनिस्टिक कला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर के सेशन में ठीक है इसी प्रकार से भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा प्रथा का शुभारंभ हुआ इससे पहले हमारे भारत देश में पर्दा प्रथा नहीं थी तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत देश में पर्दा प्रथा सबसे पहले कौन लेकर आया था तो हमारे भारत देश में पर्दा प्रथा जो थे वो यवन शासक लेकर आए थे कौन लेकर आए थे यवन शासक हमारे भारत देश में लेकर आए थे चलिए ये तो आपको मालूम चल गया इसके अलावा धीरे धीरे हमारे भारत देश में ज्योतिषी कला का विकास हुआ जो आप देखते हैं ना पंडित वगैरह होते हैं या आपकी भविष्य की रेखाएँ बताते हैं कि भाई आप आप जो है आने वाले समय में कलेक्टर बनोगे आई एस ऑफिसर बनोगे क्लियर है तो ये ज्योतिष कला है इसका विकास भी कब मिलता है आपको यूनानियों के आगमन के बाद एक एक लड़का था एक स्टूडेंट था मेरा देखा है मैंने उसको आ, क्या हुआ था उसने एडमिशन लिया एडमिशन लेने के बाद उसने अचानक से कोचिंग छोड़ दी मैंने उससे पूछा फोन लगा कि भाई क्या हुआ ऐसा एकदम से आपने कोचिंग छोड़ दी काफ़ी इंटेलिजेंट था तो उसने एक बात कही कि हमारा जो ज्योतिषी है उसने ये कहा है कि आपका जो सिलेक्शन है वो तीन साल के बाद होगा तो क्यों फालतू में तीन साल पैसे बर्बाद करूँ तीन साल के बाद ही मैं एडमिशन लूँगा तब जाकर मेरा सिलेक्शन होगा है ना तो एक दो तीन साल मैं कुछ काम धंधे देख लेता हूँ पैसे वैसे कमा लेता हूँ तीसरे साल जाऊँगा हमारे ज्योतिषी ने बोल दिया तीसरे साल तू जो है आई एस वाई एस बन जाएगा ठीक है तो ऐसे ऐसे कुछ लोग भी होते हैं मतलब अंधभक्ति होती है अपने दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं वो लोग और आज का समय ऐसा है कि वह अभी तक आई ए एस बन ही नहीं पाया कुछ लोग ये बाबा फ़कीरों के बारे फ़कीरों के संपर्क में आते हैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भाई इसको हॉस्पिटल में ले जाओ तो सही हो जाएगा है ना लेकिन होता क्या है कभी कभी बाबा फ़कीरों के चक्कर में क्या होता है उस बंदे की मौत तक हो जाती है एक लड़का था जिसको बीमारी थी पैम्फिकस और ये बाबा भक्तों के चक्कर में वो इतना बीमार हो गया इतना बीमार हो गया जिसकी कोई हद नहीं है फिर उसके बाद एम्स में भर्ती किया गया एम्स में भर्ती करने के बाद उसका इलाज चला ये पैम्फिकस बीमारी है वो बहुत ही रेयर डिज़ीज़ है बहुत ही रेयर डिज़ीज़ है है ना तो डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे यहाँ के बाबा को समझ में आ गया बाबा ने क्या बोला कि ये लड़का ठीक हो जाएगा एक तो शेर की पूछ का एक बाल चाहिए और बकरी का कलेजा चाहिए गाय का कुछ मांग रहा था पता नहीं क्या मांग रहा था बेवकूफ़ इंसान ठीक है ना और और एक छोटे से बच्चे की जो है बलि चाहिए आप समझ जाइए एक बाबा जो है छोटे बच्चे की बलि मांग रहा है कहाँ तक है ये तो जब मैंने देखा इन सब चीज़ों को मैंने बोला कि भाई एम्स वेम्स में जाओ और इलाज इलाज करवाओ हाँ आज वो ठीक है देखिए आप किस तरह से हमारे भारत देश के धर्म को बर्बा बर्बाद करने में इन लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है है ना चलिए तो ये आप लोगों ने देख लिया कि हमारे भारत देश में क्या प्रभाव पड़ा ठीक है ओके 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 चलो ये बात आपकी हो चुकी है आगे आप देखिए यहाँ पर हमारी स्लाइड खत्म हो जाती है चलो ठीक है इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं सभी लोग जानते हैं हमारे बहुत सारे कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं तो Uh, सबसे अच्छा ऑफ़र आपको मिल रहा है अस्सी टेस्ट का तो इसका फ़ायदा उठाएँ लगभग इसकी कीमत है वो तीस हज़ार रुपये है और तीस जून तक ये ऑफ़र चल रहा है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा तो जो भी बच्चे तीस जून से पहले एडमिशन लेते हैं तो अस्सी टेस्ट उनको फ्री मिलेंगे यानी कि तीस हज़ार रुपये आपकी बचत हो रही है तो इसके अलावा एक ऑफ़र और है पैंतीस परसेंट का ऑफ़र आपको मिल रहा है पच्चीस प्लस दस दस आपको कब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे कोड क्या है बी एस लाइव और जब भी आपका मेथ का एग्ज़ाम होगा तब तक आपका सब्सक्रिप्शन काम करेगा और ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जो भारी भरकम फीस नहीं दे सकते हैं उनके लिए भी ये लोन फैसिलिटीज़ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस लिंक पर क्लिक करके जानकारी दे सकते हैं यहाँ पर आइकोनिक प्लस के बारे में तो आप जानते हैं यहाँ पर आप कोई सा भी एडमिशन लें तो बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करें बी एस लाइव का मतलब बी फॉर भूपेंद्र एस फोर सिंह एल आई वी लाइफ इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट अकेला आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इन कोर्स को और इन टेस्ट सीरीज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्बेट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइज़ मिलते हैं एनरोल करने के लिए आप बी एस लाइव देखा होगा सब्सक्रिप्शन एनरोल करने के लिए बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं हर जगह अधिक जानकारी के आप अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं ठीक है ना और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर से मिलते हैं सुबह सात बजे टाइम टेबल में देख लेना कि कौन सी आपकी क्लास होने वाली है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ठीक है चलिए ओके